the signing rapper, the champ is here, Rishi Patel, Education Lab. Yeah, Swapnil Patni, come on. Hey, Hopli, Chintu. स्वप्नील मेरा नाम, मेरे बड़े बड़े फैन हैं। आज जो मैं हूँ मॉम डैड की ये देन है। आईटी का सहारा और एसएम का है साथ। जिंदगी मेरी मैंने कर लिया बात। मेरे लेक्चर सुन लोग सीए बन जाते हैं। मोटिवेशन सुन अपनी जिंदगी बनाते हैं। कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, इसका के स्टार माने जाते हो। फाइनल को आप लॉ पढ़ाते हो, उसमें बच्चों को रैंक दिलाते हो। ये हावली कमो, आओ सुनाऊं तुम्हें अपनी कहानी। जहां मैं हूँ स्वप्निल अंकिता मेरी रानी। शुरू की मैंने पुणे से कहानी, खोला 130 सेंटर जिससे निकले हैं रैंकर। सीना मेरा वो चौड़ा कर जाते हैं लॉ में जब 85 लेके आते हैं। हाँ जी लॉ में जब 85 लेके आते हैं। ए चिंटी ये study at home, you won't need to study at home. Buy my pen drive, my CDs. Buy my pen drive, my CDs. Yeah. अंकिता मेरा बड़ा साथ निभाती है। इंटर को वो लॉ पढ़ाती है, बच्चों को मेमोराइज कराती है, थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब बच्चे खुश हो जाते हैं लॉ में जब हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं। ये कमो, खुद की खुदाई और रब की दुहाई है। यूट्यूब में 30 लाख व्यू आई है। एसपी क्लास पूरे देश में छाई है। ये आज देश में छाई है। थोड़ा यूनिक और थोड़ा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं यंग सुपरस्टार हूँ। आओ ना आओ मेरे क्लास में आओ, आके अपना फ्यूचर सीए में बनाओ। ये मैं तुम्हें बड़े मजे कराऊंगा, आंटी का नाम लेके तुम्हें सताऊंगा। हाँ जी सबको सताऊंगा। मजे में तुम पढ़ जाओगे सीए में, अब रैंक लेके आओगे। मेरे कलर बुक अब मेरी पहचान है। नोट्स हाँ जी बच्चों की जान है। स्वप्निल का अब इंडिया में नाम है। हाँ जी घूमो, इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। मेरे पास आओ तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा, जीने का अब सहारा बन जाऊंगा। चाह के भी तुम मुझे भूल ना पाओगे। ये चाह के भी तुम मुझे भूल ना पाओगे। सीए बन के मुझे थैंक बोलने आओगे। ये स्वप्निल पटनी, ए डोगले। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपने कहीं कहीं चैप्टर्स में इसका नाम पढ़ा है। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस चैप्टर इन व्हेन वी वर डूइंग आईबीसी। जो हम लोग करते हैं आईबीसी, हम लोग करते वाइंडिंग अप, हम लोग करते ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, अमलगमेशन, ऐसे हर चैप्टर में इन चैप्टर का नाम जरूर आता है। एनसीएलटी, जिसके सेक्शन नंबर की शुरुआत हो गई 407 से, इट गोज टिल सेक्शन नंबर 434। वापस देखते हैं सारे सेक्शन नंबर्स कौन से हैं। एनसीएलटी का चैप्टर नंबर 12 है, 12 नंबर का ये चैप्टर है। दिस इज एनसीएलटी, विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 407 एंड इट इज गोइंग टिल व्हाट, विच सेक्शन नंबर 434। इसमें से खुशी की बात है कि चार सेक्शन डिलीट हो गए। आपको इसके बारे में चर्चा मैंने की थी पहले ही कि अब चार सेक्शन इसमें है ही नहीं। कौन से चार सेक्शन? 408। कौन से चार सेक्शन नहीं है अब? 408, 409, 410 and 411। चार सेक्शन अब नहीं रहे और काफी टाइम पास वाले सेक्शन थे, बहुत टाइम लगता था उसको पढ़ने के लिए। वो सेक्शन अब नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि वो है नहीं। ओके, चालू करें अभी। चलो कुछ बैकग्राउंड के साथ में शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप हमेशा जानते हो, हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले जानकारी लेंगे आखिर वो क्यों आया, कैसे आया, क्या वजह थी उसके पीछे। इसके पहले दुनिया में इन चार चीजों को यूज किया जाता था। The companies what act was dependent on all these four judicial authority.
आप सभी जानते, थोड़ा सा इतिहास को देखते हैं, भारत का जो लॉ बना है ना, तीन चीजों से बना है। एक तो लॉ मेकर से बना है, लॉ मेकर मतलब संसद भवन, लोकसभा राज्यसभा। फिर लॉ मेकर के बाद में आते हैं कि वो लोग जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसका नाम है ROC, RDs, रीजनल डायरेक्टर्स, MCA, और उसके बाद लिक्विडेटर्स, ये वो SAB, ये वो सारे लोग हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। और एक होती है जुडिशियल सिस्टम, जिसके वजह से भारत देश में कभी भी कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई कोर्ट में केस जाती है। आपको समझ, तीन चीज़ें होती, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ। एक होता है लॉ मेकर, लोकसभा राज्यसभा लॉ बनाती है, प्रेसिडेंट का परमिशन लगता है। लॉ बनाने के बाद में भारत सरकार उसको चाहती है वो इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंट करता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लाता कौन है? लोकसभा राज्यसभा। मतलब कौन से लोग लाते हैं लॉ? सिर्फ BJP नहीं लाता है, सारी पार्टीज मिलके लोकसभा राज्यसभा में तो सब कुछ होंगे, वो लोग भी होंगे जो जिनकी सत्ताधारी पार्टी नहीं, मतलब जो BJP के नहीं है पर जीत कर आए MPs, समझा? लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि इस समय BJP इम्प्लीमेंट करेगी। पर कभी कभी ऐसा होता ना, लॉ मेकर ने लिखा कुछ और होता है, लॉ मेकर ने लिखा कुछ और होता है, और दो अलग अलग पार्टी उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन करती है। कौन से लोग? एक गवर्नमेंट कहती है उसका मतलब ये है, मतलब ROC और वो RD कहते हैं उसका मीनिंग ये है, और हम जैसे आम जनता कहती है उसका मीनिंग अलग है। मतलब कंपनीज, रिलायंस कंपनी कहती है ये इसका मतलब ऐसा है, और ROC कहता नहीं नहीं इसका मतलब ऐसा है, अब दोनों फाइट करेंगे। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ अलग कहता है, वोडाफोन कुछ अलग कहता है, अब मैटर कहाँ सॉल्व होगा? इट विल बी सॉर्टेड थ्रू द कोर्ट। तो आज वो कोर्ट आ चुका है। कंपनीज एक्ट में जो कोर्ट थे पहले, वो ये चार कोर्ट मैटर्स को सॉल्व करते थे, एक CLB, दो हाई कोर्ट, तीन DRT, एंड नंबर चार BIFR। मतलब पहले जब ये हाई कोर्ट, ये क्या होता है, पहले जब NCLT नहीं था, पहले ये चार कोर्ट्स हुआ करते थे। मतलब एक कंपनी एक्ट के मैटर जो है चार जगह पे सॉल्व होते थे। सोचने की बात है, चार अलग अलग कोर्ट एक्ट एक ही है, कितनी परेशानी होगी ये समझने लिए कौन सी चीज कहां पे जाएगी। भारत सरकार इससे परेशान थी, और सबसे बड़ा परेशान इसमें कोई था, वो हाई कोर्ट था। टेल मी व्हाई हाई कोर्ट वाज नॉट एबल टू सॉल्व द केसेस ऑफ कंपनीज एक्ट। हाई कोर्ट में सिर्फ कंपनीज एक्ट की केसेस नहीं चलती है, हाई कोर्ट में सब कुछ चलता है। हाई कोर्ट को सिर्फ कंपनीज एक्ट के मैटर थोड़ी ना सॉल्व करना थे, हाई कोर्ट में तो और भी बहुत कुछ चलता है। हाई कोर्ट में सब कुछ चल रहा, हाई कोर्ट वाज ओवरबर्डनड। सबसे बड़ी परेशानी जब थी ना, NCLT को लाने की वजह जानो, पहले NCLT क्या, मैं समझा दूंगा व्हाई NCLT वाज इंट्रोड्यूस, व्हाट वाज द हिस्ट्री बिहाइंड इट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कहता है जब भी कोई नया एक्ट पढ़ोगे तो ये जानो कि पुराना क्या था, तो आपको नए में समझने में बहुत आसानी हो जाती। तो पहले कौन था? ये सब चारों थे, उसमें से मैं एक एक को बारी बारी समझाता हूँ कि हाई कोर्ट को क्या परेशानी। हाई कोर्ट बोलता है ऑलरेडी मैं क्रिमिनल और सिविल प्रोसेस में इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हूँ कि कंपनीज एक्ट के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता, और तुम बोलते हैं कंपनीज एक्ट का भी मैटर सॉल्व करो, इसलिए केसेस बहुत पेंडिंग हो रही थी। और आपको मालूम है पहले हाई कोर्ट में कौन से मैटर थे? अमल कमीशन हाई कोर्ट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हाई कोर्ट, वाइंडिंग अप हाई कोर्ट। अभी सारे मैटर को बंद करो, वहां से नहीं चाहिए सब कुछ। हाई कोर्ट बोल रहा है मेरा काम जो है ना, मेरे को सिविल, क्रिमिनल, मर्डर, रेप, इस सारे केसेस में मेरे को टाइम नहीं मिलता। कसाबा केस हाई कोर्ट, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट, ये केसेस में बोल जा हुआ है। तो फिर उसको छुट्टी देना जरूरी थी। अब पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी हाई कोर्ट नाम नहीं आता। सर मतलब NCLT से लोग खुश नहीं तो कहां जाएंगे फिर? NCLAT में जाते हैं, और NCLAT से खुश तो सुप्रीम कोर्ट जाते। हाई कोर्ट अब कंपनीज एक्ट के दायरे में आता ही नहीं। हाई कोर्ट को छुटकारा, मुक्ति, सब कुछ दे दिए। हाई कोर्ट का कोई लेन देन नहीं कंपनीज एक्ट से। हाई कोर्ट खुश हो गए। सर मतलब चारों भी नहीं रहे? वैसे DRT है, अभी DRT है ना, बट DRT का आपको जानते हैं IBC में सिर्फ जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप का केसेस जो होती है उनका ही सिर्फ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने DRT को बनाया हुआ, नहीं समझा आपको? मैं जब IBC पढ़ा रहा था मैंने कहता था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंडिया में दो है, कौन से? IBC के तहत अगर मान लो कोई कंपनीज के अगेंस्ट जाना, प्राइवेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट में, तो हम लोग वहाँ पे
एनसीएलटी में जाते हैं, और जो छोटी छोटी केसेस, मान लो किसी आप इंडिविजुअल हो, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैं आपके खिलाफ एनसीएलटी में थोड़ी नहीं जाऊँगा, मैं आपके खिलाफ डीआरटी जाऊँगा। तो पहले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स भी थे। तो सर चारों का काम देखो, ये पहले पढ़ लो क्या था। अब सबका मालिक है, नाम तो सुना है, एनसीएलटी, एनसीएलएटी। व्हाट इज एनसीएलएटी? नेशनल कंपनी लॉ अपलेट ट्रिब्यूनल, नाम में ही समझ में आता है। इफ यू नॉट हैप्पी विद एनसीएलटी, 45 डेज के अंदर आपको एनसीएलएटी में अपनी केस को दर्ज करना पड़ता है। इफ यू नॉट हैप्पी विद द जजमेंट गिवन बाय एनसीएलटी, यू हैव टू अप्लाई इन व्हाट, एनसीएलएटी। चलो ठीक है, ध्यान से पढ़ ले। पहले सीएल 1956 में सीएलबी भी नहीं था, 1988 में सीएलबी को लाया गया, और क्या लगा, टू ओवरलुक द बिहेवियर ऑफ कंपनीज विद इन कंपनी लॉ। तो पहले सारा काम जो था ना, कंपनी लॉ बोर्ड संभाल रहा था, और बड़े बड़े मैटर्स जो है, कौन से बड़े बड़े मैटर्स, अमलगमेशन, वाइंडिंग अप, ये सारे मैटर कौन संभाल रहा था? अरे बोलो, हाई कोर्ट। सर ये डीआरटी किस लिए था पहले? रिकवरी ऑफ डेट्स के लिए लिखा है वहां पे, टू फास्ट एडजुडिकेशन एंड रिकवरी ऑफ डेट्स रिलेटिंग टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। को अगर अपने पैसे रिकवर करना थे तो दे यूज टू गो टू व्हाट, क्या होते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। और पहले बीआईएफआर भी था, अभी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकवरी बोल के एक डिपार्टमेंट बनाया था, ताकि इंडस्ट्री के अंदर जितना भी फाइनेंशियल पोजिशन ब्लॉक हो रहा है उसको निकालने के लिए, टू डील विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन पुअर फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कंडीशंस। सर अभी क्यों बता रहे हो, क्या था, जब तक ये नहीं जानेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे हम आगे, हम पढ़ेंगे कैसे? तो इसीलिए मुझे बताना जरूरी है सर इसमें सब क्या है और क्या नहीं है। पहले तो बीआईएफआर पूरी तरह से बंद हो गया, अब है नहीं। सीएलबी पूरी तरह से बंद हो गया, अब है ही नहीं। हाईकोर्ट को बंद करने वाले हम होते कौन है? हाईकोर्ट में क्या नहीं बोल दो, हाईकोर्ट है अभी भी, हाईकोर्ट बंद थोड़ी ना हुआ। हाईकोर्ट में पहले दो केसेस चलती थी, कंपनीज एक्ट की, नॉन कंपनीज एक्ट की। अब हाईकोर्ट के अंदर कंपनीज एक्ट की केसेस नहीं जाएगी, अदरवाइज हाईकोर्ट तो होगा ही। तो सीएलबी पूरी तरह से बंद है। कैन यू प्लीज चेक सेक्शन नंबर 434, सबसे आखिरी वाला सेक्शन देखो। पढ़ो उसको, क्या लिखा है बाबा, कुछ लिखा है क्या? ये सेक्शन एक्चुअली पहले होना चाहिए था, सबसे स्टार्टिंग में। क्या लिखा है इसमें? बोले बंद करवा दो सीएलबी को, और सारी सीएलबी की केसेस कहाँ होगी? एनसीएलटी में ट्रांसफर हो जाएगी। जिस सेक्शन का सबसे पहले स्टार्टिंग में होना जरूरी था उसको एंड में डाल दिए कि अब सीएलबी नहीं रहा, और सीएलबी के सारे केसेस जो पेंडिंग चल रही थी वो अब कहाँ पे चले जाएगी? एनसीएलटी। और जो पहले सीएलबी काम कर रहा था अब वो सारा काम एनसीएलटी करेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा एक्ट कह रहा है। कौन सा एक्ट? भारत का एक्ट। भारत का एक्ट मिलेगा 434 के हिसाब से जितनी केसेस, सर फिर जो पहले केसेस चल रहे थे उसका क्या होगा? वो सारी के सारी पेंडिंग केसेस एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे। किधर शिफ्ट हो जाएगी? एनसीएलटी में। यहाँ तक कि जितने भी लोग काबिलियत रखते हैं, जो 408, 409, 10, 11 की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं ना, तो सीएलबी के वो सारे लोग भी एनसीएलटी में आके काम करने लगे हैं। ये महेश कुमार जिसका नाम दिखा था ना मैं, महेश कुमार वाज नॉट द पर्सन ऑफ एनसीएलटी, वाज द पर्सन ऑफ सीएलबी। उसको उठा के लेकर आ जाए, उसको तो फील ही नहीं हुआ एनसीएलटी आए, क्योंकि ऑफिस के बाहर जो सीएलबी लगा था, उस सीएलबी की जो बोर्ड हटा दी, उसी को कहते आज के आदमी एनसीएलटी है, और उसकी कुर्सी भी हुई है, तो उसको तो फील ही नहीं रहा मैं सीएलबी में काम कर रहा हूँ कि एनसीएलटी में काम कर रहा हूँ।
और बोले पहले मैं यही काम कर रहा था, अब भी यही काम कर रहा है, नाम से बाहर एनसीएलटी चेंज हो गई, समझे? पर सारे सर सारे सीएलबी के सारे लोग एज इट इज इधर आ जाएंगे? नहीं, सीएलबी के वही लोग इधर आएंगे जो जिनकी क्वालिफिकेशन फुलफिल होती है. सर क्वालिफिकेशन के सेक्शन तो हटा दिए, पढ़ तो सकते हो क्या लिखा है? कैन यू प्लीज रीड सेक्शन 408 409? चार सौ आठ में एनसीएलटी को लाया गया. एनसीएलटी को लाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया. अब थोड़ा 408, 9, 10, 11 देख लेते हैं, आखिर वो है क्या, मतलब जिसको डिलीट किया, पता नहीं क्यों डिलीट किया, आई डोंट नो, हमारे सिलेबस में है नहीं. अब 408 में एनसीएलटी आया, लाया किसने? कितने बेंचेस इंडिया में अभी उसके? अरे भारत में बेंचेस कितने हैं? 11. एनसीएलटी भारत में नंबर ऑफ बेंचेस कितने हैं? एनसीएलटी बेंचेस इंडिया में कितने हैं? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़. उसके सामने उनके स्टेट्स दिए हैं कि उस एनसीएलटी में कौन से स्टेट्स के लोग जाएंगे. कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई. सर ये तो 12 दिख रहे, अब तो 11 बोल रहे. अच्छा, स्टार्टिंग में क्या नाम है? ये है एनसीएलटी प्रिंसिपल बेंच, समझ गए? ये प्रिंसिपल है, जैसे हेडक्वार्टर जैसा है, और बाकी इनके सभी ब्रांचेस है. समझ गया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओए भाई, एक मेन है और उसके बाद में सब अंडर में उसके काम करते हैं. अच्छा सर, ये भी समझ गया कहाँ कहाँ पे. सर ऐसा अपने महाराष्ट्र के लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ है? मुंबई है क्या? सबसे आखिर में डाल दें हमको? चलो गोवा वाले और महाराष्ट्र वाले साथ में जाएंगे. कहाँ जाएंगे? मुंबई. कोई बात नहीं, अगर आपके साथ में कल्चर के कुछ हो गया, IBC हो गया, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई जाएंगे, ठीक है ना? मतलब महाराष्ट्र के अंदर जितना भी कुछ हुआ, सर महाराष्ट्र के साथ में जोड़ के और ही क्यों दिया? बिकॉज महाराष्ट्र के ही अकेले के इतने केसेस है, तो वो तो ओवर बर्डन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, वर्कलोड. महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ती है, तो IBC के केसेस, अमल कमीशन, मर्जर ऑपरेशन के केसेस भी बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र के साथ सिर्फ गोवा को दिए, गोवा के तो हार्डली कुछ केसेस होंगे. भारत में सर इन लोग से अगर कोई खुश नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा है, नहीं तो एनसीएलटी से एनसीएलटी पे कहाँ जाएंगे? आपने मेरे बुक में देखा एनसीएलटी को सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगा, बाजू में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, दिखा है? जो 408 में एनसीएलटी आएगा, पर पता ही नहीं उसमें काम कौन करेगा. वी वॉन्ट सम पीपल टू वर्क अंडर यू नो एनसीएलटी एंड एनसीएलटी. So there are two kind of people who are working in what NCLT, number is what judicial and number two is what technical person. अभी इधर देखो, स्क्रीन पे देखना. एक जुडिशियल और टेक्निकल लोग हैं. सर दो टाइप के लोग क्या है, एक तो लॉ के बैकग्राउंड से है जिसने LLB कोर्स कंप्लीट किया होगा, और एक LLB नहीं है टेक्निकल. ये वो लोग हैं जिनको विशेष नॉलेज है. एनी पर्सन हैविंग एक्सपर्टिस नॉलेज इन द एरिया ऑफ व्हाट कॉमर्स एंड कंपनीज एक्ट, having expertise knowledge in banking, उन लोग को टेक्निकल रखा जाता. एक सवाल पूछो, दो दो लोगों की जरूरत क्यों अंदर? चलो तुम्हारा amalgamation हो रहा है और तुम आइडिया वोडाफोन और तुम मेरे पास में है, तो मेरे पास में मैं NCLT हूँ, तो मेरे पास दो दो लोग क्यों होना चाहिए? NCLT तो कोर्ट है ना, तो जुडिशियल लोग ही होना चाहिए. वाई डू यू नीड टेक्निकल मेम्बर्स? अरे तुम वोडाफोन आइडिया हो तो मेरे पास में है कि सर ये देख लो बराबर है क्या नहीं. तो अगर मैं सिर्फ लॉयर हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिजनेस गिमिक्स. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यू नो लॉजिक बिहाइंड यू नो मर्जर. आखिर ये परचेस कंसिडरेशन क्या होता है, ये बराबर से एसेट ट्रांसफर हो रहे क्या, ये लाइबिलिटी वगैरह कुछ नहीं समझ आएगा लॉयर्स को. तो लॉयर बोलेगा सिर्फ मैं लॉ देखता हूँ. इसलिए वहाँ पे जो अंदर दो बंदे बैठे होते हैं ना, एक जुडिशियल होता है, एक टेक्निकल होता है, समझे? ये टेक्निकल कुड बी हैविंग एन एक्सपर्टिस नॉलेज इन एरिया ऑफ कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बैंकिंग. ये वो एरिया के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने उनका
लॉयर्स, तो वहां पे लॉयर्स भी होंगे, वहां पे वो भी होंगे, क्या टेक्निकल बंदे भी होंगे, समझा? पर उसके बाद में आपने सेक्शन नंबर 408 के बाद में 410 देखिए क्या लिखा है। 408 में एनसीएलटी आया, 410 में एनसीएलएटी आया। Although these sections are related, but you cannot start this chapter unless you know, read this section. Because chapter का foundation है वो। I mean, यही पता नहीं NCLT लाता कौन, तो मैं बोलू क्या आगे? NCLT में कौन से लोग काम करते? 408 में NCLT को लाया, 410 में NCLAT को लाया। किसने लाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया। If any person who is not happy with the judgment of NCLT can apply in what NCLAT within what 45 days? NCLAT, 410, 408 कौन? NCLT। फिर 409 और 11 में भी क्या फर्क है? 408 में कौन से लोग काम करेंगे, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 409 में लिखा है। 408 में जो NCLT आया है उनमें अंदर जो लोग काम करेंगे जुडिशियल, उनके अंदर जो काम करेंगे जो टेक्निकल है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 409 में दिया है। और 410 में NCLAT को लाया किसने? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पर वहां पे भी जो जुडिशियल है, वहां पे भी टेक्निकल जो है वो कितने होना चाहिए, उनका काम क्या होगा, और साथ साथ में उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, वो 411 में दिया है। कैन यू प्लीज कनेक्ट सेक्शन नंबर 409 and 411? बहुत अच्छी राहत की बात है कि हम अंदर जाके नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको रफ नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज ये सेक्शन सारे चारों भी डिलीट हो चुके हैं। 409 और 411 में फर्क इतना ही है। 409 talks about the qualification of NCLT, 411 talks about the qualification of NCLAT. What is the difference between 408 and 410? 408 में लाया NCLT और 410 में लाया NCLAT. लाया दोनों को भी किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, एंड 407 is about what definition? तो चार सेक्शन सर अंदर जाके पढ़ना है, नहीं पढ़ना, बिकॉज सेक्शन डिलीट हो चुके हैं। सर आपने क्यों पढ़ा है? बिकॉज जब तक मैं चारों नहीं पढ़ाऊंगा मैं आगे के क्या पढ़ूंगा? और आपको मालूम है सेक्शन नंबर 412 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है 412? मैंने डिलीट करवाया था किस दिन? उस दिन जब डिलीट करवा रहा था मैं। 412 है ना सिलेबस में? हाँ, तो पढ़ेंगे ना। फिर आपको 412 क्या लिखा है? इधर देखो ना मेरे पास देखो, व्हाट इज 412? 412 में क्या लिखा है? 412 कह रहा है कि जो 409 के मेंबर्स है और 411 के लोग है, जुडिशियल हो या टेक्निकल हो, उनका चुनाव कौन करेगा? चुनाव कौन करेगा सर? चुनाव तो वही लोग करेंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के। अच्छा है, पर सिलेक्शन कौन करेगा? यह सिलेक्शन कमिटी। कुछ इतना इतना टेंशन लो, 408 और 410 में कौन आया? एनसीएलटी एंड एनसीएलटी आया। कोर्ट्स को किसने लाया? सेंट्रल गवर्नमेंट। कोर्ट के अंदर जो बंदे होंगे उनको कुछ कुछ जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लाता है, और कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को समझता नहीं है तो सिलेक्शन कमेटी की मदद लेता है। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे वो 412 में लिखा है। अब तुम कहेंगे सर डायरेक्टली 412 पढ़ा दो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए इसमें लोग हैं, वो लोगों का चुनाव करने के लिए सिलेक्शन कमेटी है जो लोग चुनेगी। कौन से लोग? 408 and 410। इसमें काम करने यू नीड पीपल टू वर्क, तो वो इट विल बी अपॉइंटेड थ्रू सेक्शन नंबर 412। तो कह रही है चैप्टर में हम लोग आएंगे, अरे चैप्टर की कोई बात नहीं, चैप्टर तो पूरा आपके दिमाग में घुसेर देंगे। पहले समझो ना क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। ये चैप्टर है, ये चैप्टर है जिसका नाम है एनसीएलटी। एनसीएलटी में कौन है अभी? अध्यक्ष कौन है इनका? इनके एनसीएलटी के अध्यक्ष कौन है भाई? दुनिया में दो चीजें होती है, एक प्रेसिडेंट होती है और एक चेयरपर्सन होती है। दोनों में से बड़ा कौन होता है? प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन? जनरली प्रेसिडेंट बड़ा होता है। अच्छा, बहुत अच्छा है, सोच के बताओ। प्रेसिडेंट होता है एक और चेयरपर्सन होता है। जो एनसीएलटी का हेड होता है ना, और जो एनसीएलएटी का हेड होता है, तो एक प्रेसिडेंट है और एक चेयरपर्सन है। जाके सेक्शन नंबर रीड करो, 409 411। उनके अध्यक्ष का नाम क्या है? है क्या आपके बुक में लिखा? कहां पे लिखा है?
बोलो क्या चेयरपर्सन 411 में जो बंदा है ना, जिसका नाम क्या है, NCLAT का बंदा जो है ना हेड, उसका नाम है चेयरपर्सन। और 409 में कौन है, प्रेसिडेंट। याद रखना, कैसे याद रखेंगे, 409 में जो है प्रेसिडेंट है, मतलब NCLT का हेड प्रेसिडेंट होता है, और NCLAT का हेड जो होता है उसका नाम चेयरपर्सन होता है। मतलब चेयर पे किसको बैठने देंगे, जो बड़ा आदमी, घर पे कोई आया तो चेयर पे किसको बैठने देंगे, बड़े आदमी को छोटे आदमी, तो बस बड़ा आदमी बड़ा ही है, चेयर नाम है उसका। समझा मैं क्या बोला, बहुत भारी बोला आपको, समझा नहीं। बड़ा आदमी है तो चेयर पे बैठाएंगे, बड़ा आदमी कहाँ कहूँगा, एटी का, NCLT का बड़े आदमी को क्या बोलेंगे, चेयरपर्सन। और 409 के जो नॉर्मल NCLT का बंदा उसका नाम प्रेसिडेंट होगा, ठीक है ना। सर आपको याद करना क्यों जरूरी है, बिकॉज जब आप एग्जामिनेशन लिखोगे यू कैन नॉट से वो जो NCLT का जो चेयरपर्सन है ना, NCLT में चेयरपर्सन होता ही नहीं है, NCLT में कौन होते, प्रेसिडेंट। और 411 में क्या होता है, 411 में क्या होता है, चेयरपर्सन। सुनना है इसको, बोल ले रहा। ओके, मुझे कुछ बोलना है, ध्यान से देखो, अभी मजा आएगा ये चैप्टर में, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर मैं आपसे पूछता दोस्तों, ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें से क्या क्या नहीं रहा, CLB इज ओवर एज पर सेक्शन 434, CLB खत्म हो चुका है, BIFR खत्म हो चुका है, मैं आपको दिखा था एक बार, ये भी देख लो, ये कौन है, इफ यू नॉट हैप्पी विथ NCLT तो कौन है, क्या कर रहा है, रो रहा है, उसकी आंखों में देखा दर्द है, बहुत दर्द है, कहां जाएगा, क्लियर। NCLAT में डायरेक्ट जाने का नहीं, सर NCLAT में भी हम लोग खुश नहीं तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट, सर सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सुसाइड कर लो, खुशी तुम लोग को खुशी नहीं मिले क्या करेंगे, इधर खुशी नहीं उधर खुशी नहीं, कुछ कौन करेगा आपको, मुझे और भी बोलना है, मैं बोलना चाहता हूं, सर बोलो ना, बोलो जो बोलना है बोलो, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं, BIFR इसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया, क्या था एक बार पढ़ो, BIFR वॉज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, जिसको जिसको जिसकी शामत आ गई वो ये है, बंदी करवा दी इनको, बंद पूरी तरह से बंद, लॉक कर दिया इसको, पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेटअप वॉज इन जनवरी 1987 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिटरमाइन सिकनेस ऑफ इंडस्ट्री कंपनीज एंड असिस्ट इन रिवाइविंग, समझा, जो सिक हो रही थी उनको ये साथ देकर ऊपर खींचते थे ताकि वो कंपनी वापस चालू हो जाए, सिक कंपनीज एंड असिस्ट इन रिवाइव, मतलब क्या, कम बैक करने के लिए, दोज दैट देयर मे बी वाइबल एंड शटिंग डाउन द अदर्स। इन डिसंबर 2016 द मोदी गवर्नमेंट डिसॉल्व BIFR, जिसको राजीव गांधी ने लाए, मोदी जी ने निकाल दी। ये 2016 में क्यों लिखा है, IBC अभी बोलते ये सब बंद करो रे, क्या लाया तुमने, मैं हूं ना, काफी हूं मैं, IBC ने DRT को बंद नहीं किया, पर क्यों, IBC बोलता है द एंटायर IBC इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सम केसेस विल बी फाइल्ड इन DRT, सम केसेस विल फाइल्ड इन व्हाट, बट व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड DRT, समझो IBC नहीं होता था तो पहले DRT क्या करता था, तो डिजास्टर, एक बोल डिजास्टर बोल रहा, डेट रिकवरी, मुझे याद रहा है डिजास्टर रिकवरी है ना, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, नाम है ना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, इट वॉज इंट्रोड्यूस लॉन्ग टाइम बैक इन 1993, ये DRT।
डीआरटी बोला था, ये सब क्या आता है? डीआरटी विकी, देख के भी क्या दिया रे ये, हौला ही कह रहे तुम। अब तो बोल क्या है देते क्या? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स भारत में कहां कहां पे है? इन सिटीज में, पुणे में भी है क्या? देखो पुणे में भी है। सर एक बात बताओ, क्या पढ़ रहे हैं अभी? कीपिंग इन द लाइन विद द इंटेंशनल इंटरनेशनल ट्रेंड्स ऑन हेल्पिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवर देयर बैड डेट्स क्विकली एंड इफेक्टिवली, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड 33 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड 5 डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अक्रॉस द कंट्री। इतने डीआरटीज इंडिया में आए है गाइस, आर यू देयर? तो पहले सारे के सारे डीआरटी में केसेस 100%, जिसके भी पैसे डूबते थे वो डीआरटी में जाता था। अब जिसके भी पैसे डूबते वो हर कोई डीआरटी में जाता था, कुछ कुछ डीआरटी में और कुछ कुछ एनसीएलटी में जाते। नहीं समझे क्या? डीआरटी में जाते हैं इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, डीआरटी में जाते हैं, और सारे आम केसेस जो डूब रही हैं वो कहाँ जाती है? एनसीएलटी में जाती है। तो एनसीएलटी का स्कोप बढ़ा है वैसे, और किसका बर्डन कम हो गया? डीआरटी का बर्डन क्यों कम गया? भाई तुम इंडिविजुअल पार्टनरशिप को संभालो वही बड़ी बात है, बाकी सब एनसीएलटी में लेकर आते, ठीक है ना? तो एनसीएलटी क्यों आया? एनसीएलटी में डीआरटी को नहीं मारा, डीआरटी के कुछ केसेस को मारा है। एनसीएलटी ने हाईकोर्ट को नहीं मारा, हाईकोर्ट के कुछ एरिया को मारा है। अंडरस्टैंड करो, पूरा हाईकोर्ट बंद हो गया भारत में। कितने हाईकोर्ट है? 24 हाईकोर्ट पहले भी थे, आज भी है। 24 में चलता क्या है? आम केसेस चलती, कौन सी केसेस नहीं चलती है? कंपनीज एक्ट की नहीं चलती। रिमेंबर दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस, ऑसम। अब एक समझाएंगे, बीआई फॉर्म, मैंने आपको समझाया जो सिख इंडस्ट्री को लेकर आती थी, डीआरटी आप समझ गए, हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट ही है, सीएलबी क्या है? ये कंपनी लॉ बोर्ड, नाम में लिखा था ये सिर्फ कंपनी लॉ के ट्रिब्यूनल से पहले, नाम में लिखा था सीएलबी। तो कंपनी लॉ बोर्ड मतलब क्या? पहले जो केसेस थी वो सारी कंपनी लॉ बोर्ड में जाती थी। ओके लुक एट दिस सीएलबी। सर ये पढ़ा रहे क्यों आप? मैं पढ़ाऊंगा, मेरा क्या, मुझे पढ़ाने का, ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं पुरानी वाली की बुराई ना करूं, नई वाली की अच्छाई समझ में नहीं आएगी। पॉइंट है? और पुरानी वाली गई तो क्यों गई? उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा है? सर 1 जून को हुआ क्या था वैसे दुनिया में? 1 जून वो तारीख है, हैप्पी बर्थडे एनसीएलटी का, हैप्पी बर्थडे एनसीएलटी इंडिया में 1/4/2013 को नहीं है, 14 को नहीं आया था। यू नो सेक्शन नंबर 408 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट सेल, कंपनीज एक्ट इटसेल्फ, बट इट वाज नोटिफाइड, नोटिफाइड समझता है क्या नोटिफाइड? सी सेक्शन आने से कुछ नहीं होगा, नोटिफाई होना चाहिए ऑफिशियल गैजेट में कि हाँ भाई अब लागू हो गया। तो एक्ट भली 1/4/2014 को आया था, पर ठीक 26 महीनों के बाद इस एनसीएलटी की स्थापना हुई। 2 साल तक तो यही बोलते थे सिर्फ, तो 2 साल तक ट्रांजिशनल फेज में क्या था मालूम क्या? एक समय था ट्रांजिशनल फेज आ गया था ना, ये तो बोलते थे एनसीएलटी एनसीएलटी एनसीएलटी, और एनसीएलटी तो आया नहीं, बातें बड़ी बड़ी कर दी, एनसीएलटी आया नहीं। तो जब तक एनसीएलटी नहीं आया तो 3 चैप्टर मैं खुद ओल्ड एक्ट से पढ़ा रहा था। 3 एक्ट कौन से मालूम है? 1956 कौन सा? 19 अमल कमीशन, पूरा चैप्टर में 2013 का पढ़ा रहा था। और मैंने क्या पढ़ा है मालूम क्या? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 1956 का मैंने पढ़ा है, अमल कमीशन 1950 का मैंने पढ़ा है, वाइंडिंग का मैंने पढ़ा। क्यों पढ़ा रहे थे सर आप? मैं क्या पूरा इंडिया पढ़ा रहा था क्यों? हाई ये एनसीएलटी नहीं है तो 3 चैप्टर तो पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये तीनों चैप्टर्स के लिए एनसीएलटी जरूरी है। आपको अमल कमीशन करना है एनसीएलटी लगता है, ऑपरेशन करना है एनसीएलटी लगता है, वाइंडिंग अप करना है एनसीएलटी लगता है। तो ये तीनों चैप्टर जाएंगे कहां? बिकॉज एनसीएलटी आया था 1 जून को, तो तब तक के लिए न्यू कंपनीज एक्ट का ऑपरेशन, न्यू कंपनीज एक्ट का अमल कमीशन हमने पढ़ा ही नहीं, वाइंडिंग अप पढ़ा ही नहीं। समझा कि कॉन्सेप्ट क्या हुआ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
तो दो साल तक हम लोग पुराना ही पढ़ रहे थे 1956 का, बिकॉज ये लेट इंट्रोड्यूस हुआ और इसके लेट आने की वजह से तीन चैप्टर को लेट इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ तक कि आईबीसी को भी इसके बाद लाया गया, बिकॉज आईबीसी को लागे करे क्या, आईबीसी कोड 2016 का है, समझा? तो सारा जो है ना ये इसके पीछे कौन है, पर्दे के पीछे, सर ये बंदा तो उधर भी दिखता है, ये पहले देखो कैसे जब जवान थे ऐसे दिखते थे, क्योंकि ये सीएलबी में थे पहले, पटियाला का बंदा है ये, बहुत ही होशियार इंसान है, इनको एज इट इज इनको लेकर आ गए, देखो एनसीएलटी में देखना इनको आपको, सर एनसीएलटी में ये भी है क्या, यस कहाँ गए वो, देखो एनसीएलटी का अबाउट अस, अबाउट अस में क्या आएगा, प्रोफाइल ऑफ मेंबर्स, देखो फोटो चेंज हुई क्या थोड़ी सी, कौन है सर, मतलब आपने तो कहा वो बंद हो गया सीएलबी, हमने कब नहीं बोला, सीएलबी का जो बंदा होशियार था ऑलरेडी, जिसको नॉलेज था, बोले भाई तू आके बैठ जा, लॉ चेंज हुआ पर बंदे को चेंज करने की जरूरत क्या है, अभी पहले सीएलबी के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे, अब एनसीएलटी के हिसाब से सॉल्व करते, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, हे गाइस सीएलबी अब नहीं रहा, सर सीएलबी का काम क्या था पहले, सीएलबी विकी, ऐसा पूछता तो क्या था वो दिखाता है, उसको पूरा नाम चाहिए, कंपनी लॉ बोर्ड है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने सीएलबी लिखा है एनसीएलटी आ गया, बेस्ट है, बट एनीवेज आई होप यू अंडरस्टैंड यार, है ना, ये एनसीएलटी एनसीएलटी सब आ गया, बिकॉज अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 434 अच्छे से इज्जत में पढ़ेंगे, टेल मी व्हाई वी आर लर्निंग 434, 434 में लिखा क्या है, चल एक सेक्शन हम लोग खत्म कर रहे पहले अभी 434 खत्म करेंगे, पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर व्हाट सीएलबी, सीएलबी है क्या नहीं है, अब सीएलबी देखो डीआरटी आज भी है, डीआरटी की कुछ किस्म रही, हाईकोर्ट आज भी है कुछ किस्म, क्या मरा कंप्लीटली है, सीएलबी कत्लेआम क्या होता है, बीएफआर पूरा मर गया, ना बीएफआर बचा ना सीएलबी बचा, ये हम लोग लिखवा के लेंगे आपसे, पर पहले पढ़ेंगे, ऑन सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ All matters proceeding or cases pending under the pending before board, board बता क्या CLB of company law administration constitution under subsection 1, ये जान दे इससे क्या मतलब है, 1956 में इसको introduce किया था, immediately before such date shall stand transferred to tribunal and tribunal shall dispose such matters, समझा क्या, समझा क्या, सारे matter कहाँ जाएंगे, उस दिन जो जो pending थे, मतलब 1 जून 2016 के दिन बोलेंगे सारे मैटर कहां जाएंगे, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल, एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड मेड बिफोर सच डेट मे फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ नहीं ये बराबर है जो लिखा है, जो कंपनी लॉ बोर्ड से जो लोग अनसेटिस्फाइड थे, तो पहले जब सीएलबी से जब लोग खुश नहीं थे ना तो वो हाईकोर्ट जाते थे, तो बोल रहा है सीएलबी की एंट्री डायरेक्टली सीएलबी से जो खुश नहीं है वो एनसीएल 80 में नहीं जा सकते, क्योंकि एनसीएल 80 में क्या लिखा है, एनी पर्सन हु इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ एनसीएल टी ओनली कैन गो टू एनसीएल 80, तो एनसीएल 80 में तो वही जाएंगे जो एनसीएल 80 से खुश है, एनसीएल 80 से ना खुश है, तो एनसीएल 80 क्या होता है, मेरे पास में कोई भी नहीं आना, जो एनसीएल टी से ना खुश है ना वही आना, जो तुम्हारे पुराने सीएलबी से ना खुश है ना वो उधर ही जाना जहां पे पहले जाते थे, तो जो लोग सीएलबी से खुश नहीं थे वो कहां जाएंगे, अरे भाई अब सीएलबी का जो डिसीजन आ गया, सीएलबी से डिसीजन आ गया
और उतने में लॉ चेंज हो गया। तो आप बोलेंगे सर सीएलबी बोलेंगे, मैं तो वो बोलेंगे मैं सीएलबी से खुश नहीं है। बोले यार तो फिर तुझे तो एनसीएलटी जाना पड़ेगा। वो एनसीएलटी का एनसीएलटी आने का नहीं, जरा हट तू कहाँ से आ गए। मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ जो एनसीएलटी से आया। तो एनसीएलटी से तो आएगा नहीं, तू कहाँ से है सीएलबी। तो इफ यू नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ व्हाट सीएलबी यू वर सपोज टू गो टू हाई कोर्ट, आज भी तुम हाई कोर्ट में ही जाओगे। पर अभी एक है तो ट्रांजिशन फेज खत्म हो गया। वैसे नहीं समझा, 60 दिन तो कब के खत्म हो गए भाई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। अभी ये तो पढ़ के भी क्या उखाड़ लूंगा मैं, वो तो जिस दिन 60 दिन के अंदर तुमको कहाँ जाना था हाई कोर्ट, तो चले गए होंगे वो लोग हाई कोर्ट में, नहीं गए तो फिर क्या, तो कोई वैसे भी खत्म ही हो गया। प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट, वो क्या बोल रहा है अंडरलाइन द वर्ड, 60 दिन से आगे भी हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकता है अगर, बोलो क्या, अंडरलाइन करो, अगर उनके इसमें कोई जेन्युइन कॉज होगा तो 60 दिन के बाद भी जा सकते हैं। आगे जाओ, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द कोर्ट टू द ट्रिब्यूनल, ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग लीडिंग टू द आर्बिट्रेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन वाइंडिंग अप पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर सच डेट बिफोर एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट शाल स्टैंड ट्रांसफर टू ट्रिब्यूनल एंड द कोर्ट द ट्रिब्यूनल प्रोसीड्स टू डील विद सच प्रोसीडिंग। वाह 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 वाह। अब बताओ सर, पहले भी तो आपने ट्रांसफर बोला था, सीएलबी के सारे केसेस ट्रांसफर हो जाएंगे एनसीएलटी को, व्हाट अबाउट हाई कोर्ट? सर हाई कोर्ट की कौन सी केसेस? मैंने वो पहले कहा था बड़े बड़े मुद्दे तो हाई कोर्ट ही पहले मैनेज कर रहा था। कौन से? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अमल कमीशन वाइंडिंग अप, ये काम पहले कौन कर रहा था? तो हाई कोर्ट बोलता है मेरे को मुक्ति दे दो, बस मुक्ति दे दो मुझे, मेरे लिए तो लाया मैंने एनसीएलटी। एनसीएलटी को लाने के लिए सबसे बड़ा कारण इंडिया मालूम है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोलता था मेरी परेशानी कम करो, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मैटर मुझे इन्वॉल्व मत करो, मैं पहले बहुत त्रस्त हूँ। तो ये सारी घटनाएं कहां पे जाएंगी? द मैटर्स विच आर पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट, बोलो आगे, विल बी शिफ्टेड टू, अरे यार, अरे हो सकता कुछ लोगों ने अमल कमीशन के लिए अप्लाई किया होगा पर हाईकोर्ट ने उसको अभी तक हाँ नहीं बोला होगा, और उतने में कौन आ गया एनसीएलटी। तो सारा मैटर जो पेंडिंग था, कम ऑन, खत्म, आगे। Provided that only such proceeding relating to the winding up of the company shall be transferred to the tribunal that are at the age stage of what? बहुत भारी लिखा, बहुत भारी लिखा। सर ये जो ऊपर लिखा था, यहाँ पे तो लिखा था shall stand transfer to tribunal and tribunal may proceed, ये क्या लिखा? Provided that only such proceeding relating to the winding up of the company shall be transferred to the tribunal that are the stage as may be prescribed, ये क्या बोला? अगर दिमाग है तो जवाब दे देना इसका, क्या लिखा हुआ आपके सबसे? ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का कोई केस चल रहा होगा कहां पे? वाइंडिंग अप का केस चल रहा था हाईकोर्ट पे, तब तक एनसीएलटी नहीं आया था, अचानक से एनसीएलटी आ गया, अभी तक वाइंडिंग अप का केस मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या होगा? मुद्दे से तो उसको एनसीएलटी में जाना चाहिए, पर वो बोलते हैं एनसीएलटी मत भेजो अगर वो मैटर ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, जो 90% सॉल्व हो गया है, कहा 10% के लिए और नए जिसको बताएंगे उसको भी समझना पड़ेगा। सी द मोमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कोर्ट टू अदर कोर्ट, वो नए जज को समझना पड़ेगा ना हुआ क्या था इसमें, उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा तब जाके। तो बोल रहा है कि मैटर एक अप टू सम स्टेज तक सॉल्व हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल वो दिया नहीं है पर 90% तक सॉल्व होगा, तो क्या करेंगे? ए अरे हाई कोर्ट करना खत्म, तू ही कर, कहाँ तो थोड़े के लिए भेज रहे हैं, अपन बोलेंगे भाई थोड़े के लिए क्या कर, क्योंकि उसका अलग जज है, उसकी दुनिया अलग है, उसका अलग टाइम लेगा। कम ऑन नेक्स्ट। Provided also that only such proceeding relating to the cases other than winding up for which orders or orders for allowing or otherwise of the proceeding are not reserved by the High Court shall be transferred to the what? Samjha kya? Kya bol rahe? Arey kisko transfer hona chahiye? Kiski cases? Kab? Provided also that only such proceedings relating to the cases other than the winding up. For which orders allowing otherwise of the proceeding are not reserved by the High Court shall be what? अरे यार लिखने की जरूरत ही नहीं थी, winding up का छोड़ के बाकी जो केसेस है वो कहाँ जाएंगी? देखो हाई कोर्ट को जिम्मेदार, हाई कोर्ट को लगेगा कि मैटर मुझे सॉल्व कर दे तो हाई कोर्ट कर लेगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो एज इट इज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? ऐसा क्यों लिखा है? फॉर विच ऑर्डर्स फॉर अलाउिंग और अदरवाइज ऑफ द प्रोसीडिंग आर नॉट रिजर्व बाय द हाई कोर्ट, नॉट रिजर्व बाय द हाईकोर्ट मतलब क्या?
वाइंडिंग अप के केसेस तो अगर मोस्ट ऑफ द केसेस अगर होंगी 90% सॉल्व तो वो हाईकोर्ट खुद कर लेगा, पर हाई उसके अलावा भी कुछ केसेस है जो हाईकोर्ट को लगता है कि मैं ही सॉल्व करूं, लिखा ना नॉट रिजर्व बाय हाईकोर्ट, वही ट्रिब्यूनल में जाएगी। इसका मतलब उल्टा बोलो, जो हाईकोर्ट ने रिजर्व करके रखी है कि नहीं ये मुद्दा मेरा ही है, मैं सॉल्व करूंगा, तो हाईकोर्ट ही सॉल्व करेगा उसको। और हाईकोर्ट का एक लेवल है यार, वहां के जस्टिस का लेवल होता है, अगर वो जस्टिस बोलेगा ना भाई ये मैटर हमारा है सॉल्व करने दो, मैटर बहुत ही पेचीदा है, वो ट्रिब्यूनल वाला भी हौला बन जाए उसे सॉल्व नहीं होगा, ये मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो सॉल्व कर लेगा वो। इसका मतलब क्या है, वो प्राइमा फेसिस तो उन्होंने बोल दिया सारे केसेस हाईकोर्ट के ऊपर, क्या लिखा सारे केसेस हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर हाउएवर क्या दिया एक प्रोविजो डाला, नहीं नहीं ट्रिब्यूनल का वाइंडिंग अप का सब नहीं जाएगा, वाइंडिंग अप जो एक लेवल तक सॉल्व हुआ वो नहीं जाएगा। फिर और क्या बोला, उसके अलावा भी जो हाईकोर्ट हाईकोर्ट का जज चाहता है तो कुछ रिजर्व कर सकता है, और वो रिजर्वेशन छोड़कर जो है वो सब चले जाएंगे। Do you understand that? Okay, next. Provided further that all the proceeding under the Companies Act 1956, other than the cases relating to the winding of the companies that are reserved, अरे हाँ भाई, all the proceeding relating to the winding of the companies which have not been transferred to High Court, वो भी बराबर है, shall be dealt with the accordance with the provision of 1956. Best, मस्त बोला है, मस्त बोला है, बराबर है। तो जो High Court में cases पड़ी हुई है, जो वही है, वो High Court ऐसे manage करेगा जैसे कि 2013 का Act आयच नहीं है। Provided also that proceeding relating to the cases of voluntary winding of the companies where notice of the resolution by advertisement has been given under subsection 1 of the 485 of the Companies Act 1956, but the company has not been dissolved before the 1st April 2017 shall continue to be dealt with the accordance with the provision. Actually क्या है ना, ये क्यों आया, अब उन्होंने क्यों आया, सब पूछो क्यों आया, voluntary winding को underline करो, आप ही बता दो concept क्या है, ये voluntary winding आप किसके पास चले गए, और ये कंपनीज एक्ट में से डिलीट हो गया कि नहीं, तब बताओ इसकी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अरे वॉलंटरी वेंडिंग आपका कॉन्सेप्ट नए कंपनीज एक्ट में खत्म हो गया, तब प्रॉब्लम हो गई ना इनके लिए। वो क्या बोल रहा, देखो प्रोवाइडेड, इसके बारे में अलग से लिखित ना बहुत जरूरी हो गया था, बिकॉज ये मैटर अब कंपनीज एक्ट का है ही नहीं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट कौन सा, वॉलंटरी वेंडिंग ऑफ द कंपनी वेयर नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन हैज ऑन, जिसकी एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी रिजोल्यूशन बाय एडवर्टाइजमेंट हैज बीन गिवन बट द कंपनी हैज नॉट बीन डिसॉल्व, मतलब जिसका काम चालू है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप चालू है पर वॉलंटरी वाइंडिंग अप तक हुआ नहीं है, शल कंटिन्यू टू डेल्ट। अब मुझे पता अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर ये प्रोविजन नहीं लिखता तो क्या होता, बोलता भाई वॉलंटरी वाइंडिंग अप भूल जा अब थोड़ी ना होता ही, पर उन्होंने एक तारीख दी है, इस तारीख के पहले जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी चार्ट के हिसाब से होने दो, और इसके बाद में जाएंगे वो नहीं, इसका तो क्या होगा, ए बोले ए भाई ये वॉलंटरी वेंडिंग अब इधर नहीं है, उधर जाओ आईबीसी में जाओ, इधर खत्म हो गए। तो पर इसके पहले का जो वाइंडिंग अप है ना तो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा, इसके बाद का वॉलंटरी वेंडिंग अप जो है ना वो आईबीसी के हिसाब से होगा, ऐसा अच्छा है। The central government may make rules consistent with the provision of this act to ensure timely transfer of all the matters proceeding or cases pending before CLB. आपको समझा के क्या चल रहा था, क्या हुआ था, क्या time to time central government कुछ rules आएगा ताकि इधर से cases उधर successfully transfer हो जाए। अब तो NCLT set हो गया रे, ये तो ये जो हमने पढ़ा ना है ये तो उन दिनों की बात है जब नहीं नया नया था, अब तो क्या, अब तो सब fresh हो गया, अब तो अभी अभी कोई सेक्शन का इतना महत्व तो नहीं, पर ये सेक्शन ना पढ़ो तो भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए आखिर ये ऐसा कोई सेक्शन तो होना चाहिए जो कह रहा है कि सीएलबी बंद हो गई है, ये वो सेक्शन है जो कह रहा है सीएलबी, आप सीएलबी की वेबसाइट खुद कह रही है मुझे मत देखो, यहां तक कि सीएलबी का जो बंदा हेड है वही उठ के एनसीएलटी में जाके बैठा है, तो सीएलबी कौन मैनेज करेंगे, है ना। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड सेक्शन 434। तो बताएंगे इतिहास क्या है, हाईकोर्ट का क्या नहीं है, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के कंपनी जाके केसेस खत्म हो गई, डीआरटी है, डीआरटी के कॉर्पोरेट वाली केसेस कम हो गई है, बीआईएफआर खत्म, सीएलबी खत्म, अब आ चुका है सबका मालिक वन एंड ओनली, कैन यू प्लीज राइट दिस, याद से इसको लिखेंगे हम लोग, इतना लिखो बेस्ट।
उसमें लिखो आप जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है BFR को कंप्लीट क्रॉस मारो, क्रॉस मार दो अभी, और CLB कंप्लीट क्रॉस, पूरा खत्म, और हाई कोर्ट के दो बच्चे बना सकते हैं ऐसे, एक कंपनीज ऑफेंसेस नॉन कंपनीज ऑफेंसेस, हाई कोर्ट के दो बनाओ, दो बच्चे ऐसे, और क्या लिखेंगे वहाँ पे, ऑफेंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट, और दूसरा आएगा अदर केसेस, हाई कोर्ट के दो बच्चे अदर केसेस, तो बता कौन से ही अब चीजें बंद हो गई। तो हाई कोर्ट के नीचे जो ऑफेंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट है ना, और लिख दो शिफ्टेड टू किसको, शिफ्टेड टू NCLT, अदर केसेस के लिए हाई कोर्ट आज भी जिंदा है, समझा क्या कुछ, DRTV के दो बच्चे बना दो, क्या बोलो, एक इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप और एक बॉडी कॉर्पोरेट, DRT के दो बच्चे बनेंगे, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप, और दूसरा कौन सा है, बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट वाले कहाँ चले गए, देखो NCLT और इंडिविजुअल पार्टनरशिप आ जाएंगे DRT, इट विल रिमेन DRT, और BIFR कंप्लीट क्लोज डाउन, CLB कंप्लीट क्लोज डाउन, CLB के नीचे लिखो, CLB के नीचे लिखो, CLB है ना, ये चौथा चार बच्चे है ना, ये पहला बच्चा कहाँ गए, लिखो एज पर सेक्शन 434 CLB के नीचे लेट जाओ, एज पर सेक्शन 434 केसेस और CLB कहां शिफ्ट हो गई है, CLB शिफ्टेड टू व्हाट, NCLT, अगर आपने इस चैप्टर में देखा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल कोर्ट एंड NCLT, देन स्पेशल कोर्ट क्या करता है और NCLT करता क्या है, स्पेशल कोर्ट भी तो हमने देखा, वो भी तो कोर्ट है, NCLT भी कोर्ट है, तो क्या करेंगे दोनों में, क्या फर्क क्या है, स्पीडी मैकेनिज्म के लिए, ओके, NCLT इज इंट्रोड्यूस ओनली फॉर द सम यू नो फॉर अ स्पेसिफिक केसेस एंड दैट टू वेरी यू नो बड़ी बड़ी केसेस जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है अमलगमेशन, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप, NIBC, और अन्य जो केसेस होती है तो सारी स्पेशल कोर्ट में जाती है। हमारे स्पेशल कोर्ट को हमने जब देखा था कि अप टू 2 साल की फाइन है, अप टू 2 साल की पनिशमेंट है, अबव है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वो सब स्पेशल कोर्ट में जाता है, फाइन कितनी, पनिशमेंट कितनी, कभी NCLT डिसाइड नहीं करता, NCLT डिसाइड करके अमल कमीशन हो सकता है कि नहीं, वाइंडिंग अप हो सकता है कि नहीं, कल चल के किम फिशर का वाइंडिंग अप होने वाला है तो कौन करेगा, हाँ किसी कंपनी को अमल कमीशन करना है तो कौन करेगा, किसी का IBC, जैसे वीडियो कॉन का IBC चल रहा है, कौन करेगा, वैसे तो आपको ये डिफरेंस लिखना जरूरी है। ये देखो एक बार ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा है, सेक्शन 435 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब इस स्पेशल कोर्ट का, प्रोवाइड्स फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस बाय एम्पावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश डेजिग्नेट नोटिफिकेशन एज मेनी एज व्हाट, एज मेनी स्पेशल कोर्ट एज दे वांट, तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट कितने भी स्पेशल कोर्ट ला सकता है, ओके, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट अनलेस ही इज व्हाट, ऐसा ऐसा लिखा है, सेशन कोड एडिशनल, Whereas a person shall not be qualified for the appointment as a judicial member of NCLT unless he has been a judge of High Court,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ऑफ 5 years और हैज बीन एडवोकेट ऑफ 10 years. तो किसका क्वालिफिकेशन ज्यादा है? एनसीएलटी वाला बंदा वो होना चाहिए जो एक तो हाई कोर्ट का जज हो, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसने 5 साल तक काम किया हो, या कोई भी एडवोकेट बोलकर, डिस्ट्रिक्ट जज बोल के 5 साल रहो जज बोल के, या हाई कोर्ट में वो जज बोल के रहा, तो हाई कोर्ट में जज 1-2 साल के लिए रह चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 साल के लिए जज, और अगर वो एडवोकेट बोल के 10 साल. इसका मतलब अगर देखने की बात है तो यहां पे सिर्फ स्पेशल कोर्ट में सेशन कोर्ट के जज की जरूरत है. तो किसका दायरा लेवल ज्यादा है? एनसीएलटी, बिकॉज वहां पे बड़ा बड़ा काम चल रहा है बहुत. अब जो आ रहा है ना डिफरेंस, वो देखने लायक है. ऑल दी ऑफेंसेस अंडर कम्युनिटी एक्ट 2013 शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट. ऑल दी ऑफेंसेस, सारे के सारे ऑफेंसेस, गुनाह, फाइन, पनिशमेंट, सारी चीजें स्पेशल कोर्ट में होगी. एंड स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंसेस ऑफ व्हाट सीआरपीसी क्रिमिनल, वेयर एज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनसीएलटी कंसिस्ट मेनली ऑफ द केसेस रिलेटेड टू अमलगमेशन, कॉम्प्रोमाइज, वाइंडिंग अप, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रिवाइवल, रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनीज. देखकर समझ में आता है? तो इस पूरे एक्ट में जब भी ऑफेंसेस वर्ड आएगा, पनिशमेंट, फाइन की बातें होंगी, स्पेशल कोर्ट मैनेज करेगा. और जब भी अमलगमेशन, मर्जर और वाइंडिंग अप, आईबीसी की बातें होगी, या फिर ऑपरेशन की बातें होगी, इट विल बी डेल्ट बाय एनसीएलटी. दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बिकॉज हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में स्पेशल कोर्ट नाम का भी चैप्टर है और एनसीएलटी के भी. तो मुझे पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है. Hey guys, come on. और दूसरा बता, किसका, किसके लोग जो क्वालिफिकेशन वाले ज्यादा होना चाहिए? एनसीएलटी किससे लाए? तूने कैसे लाए? बेस्ट है तू, थैंक यू सो मच. हाँ क्या? चल यार, अरे कब से मैं परेशान था इसके वजह से. है ये उसके, पता नहीं बैटरी डाउन है क्या है. डिजास्टर रिकवरी प्लान. अब बोलो, अब तो माहौल बना देंगे. ए बोलो रे, चलो. कब से दिमाग में पढ़ाने का आदत होता है ना, ऐसे लिखना है ये करना है. अब अगर पेन नहीं तो क्या कर रहा हूँ मैं क्लास में, सिर्फ बोलना पड़ रहा है ना, लिख नहीं सकता. अब बोलूँगा भी, लिखूँगा भी. कौन सी चीज से खुश हो रहा हूँ मैं? स्पेशल कोर्ट एनसीएलटी, गाइस कम ऑन, टेल मी, दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे, राइट? एवरीबॉडी कम ऑन. तो स्पेशल कोर्ट क्या होता है? स्पेशल कोर्ट होता है जो सेक्शन नंबर 435 लाता है. आप बताएंगे एनसीएलटी को किसने लाया? 408 and 410 ने लाया. आपको मालूम है इस चैप्टर का जहां पे एंड होता है ना, वहां पे स्पेशल कोर्ट चालू होता है. 407 से लेके 434 एनसीएलटी, एंड देन 435 टिल 446B स्पेशल कोर्ट. समझा ये सीक्वेंस में दिया है, कोर्ट कोर्ट बाजू में. पर अक्सर यही समझना नहीं, वो कोर्ट का करता क्या, ये कोर्ट, इसलिए हम लोग लिखेंगे. Hey guys, can you please write on the reference? जरा दोनों बाजू बाजू में लिखेंगे, इधर से कौन लिखेंगे, इधर से कौन लिखेंगे. चलो लिखना चालू करो. स्पेशल कोर्ट, बोलो भाई बोलो, इधर से क्या लिखूंगा मैं? देखो अब मैं लिख भी सकता हूं. ये स्पेशल कोर्ट. Come on, baby, come on. और इधर से कौन है मालूम है? एनसीएलटी सेक्शन नंबर कौन से है? इसको लाया कौन से सेक्शन में? इसको कौन से सेक्शन लाया? 408. उसके बाद में स्पेशल कोर्ट कौन से है? ऑल ऑफेंसेस ऑफ कौन से है? इधर क्या होता है, इधर क्या होता है बड़ा बड़ा, जैसे कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, अमलगमेशन और आईबीसी और
सेशन कोड का इधर क्या आएगा? अभी याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख रहा हूं सर। एक तो हाई कोर्ट का जज, एक तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज चलेगा इसको, जिसका 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 10 साल से वो लॉयर होना चाहिए, जिसको हम लोग एडवोकेट कहते हैं। तो ये लेवल बहुत ज्यादा है, बड़ा है इसका लेवल बहुत। दोनों को भी लाता कौन है? बेस्ट है। इधर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगा, इधर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इस समय भारत में एनसीएलटी में कितने बेंचेस है? 1+11 बेंचेस, और ये तो कितने भी आ सकते हैं स्टेट वाइज। इसमें लिखता हूं मैं मेनी है, हो गया। अखियां देखो रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे, चलो चलो हो गया लिखिए। तेरे आपको पता है इसका नाम होता है क्वाजी जुडिशियल। कोई जवाब देगा? ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी, इसका मतलब क्या है? ये कोर्ट नहीं है, कोर्ट की जैसी है, क्वाजी जैसी। कोर्ट नहीं है पर कोर्ट के जैसी है, क्वाजी जुडिशियल ऑथोरिटी। एनसीएलटी इज लाइक अ क्वाजी जुडिशियल ऑथोरिटी। पूछेंगे आपको तो बोल देना क्वाजी जुडिशियल है। चलो अब इसको पढ़ने में हमें कोई एतराज नहीं है, हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे। एक चीज थी मुझे जो दिखाना थी आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं दिखाऊं। You know there is a ठीक है, चालू करते हैं सेक्शन नंबर के साथ में, दिखाता हूं मैं क्या है। वो तो 408 चार सेक्शन नंबर खत्म हो गए, उधर का एक खत्म हो गया। मैं शुरुआत करना चाहूंगा 413 से। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। बताएंगे दोस्तों प्रेसिडेंट मतलब किसका बंदा? अरे कमॉन गाइस, एनसीएलटी का हायर अथॉरिटी का नाम क्या होता है? एनसीएलटी का और एनसीएलएटी का कमाल करते हो। प्रेसिडेंट मतलब कौन?
एनसीएलटी चेयरपर्सन मतलब कौन, एनसीएलटी एंड मेंबर्स कौन से होते हैं, जुडिशियल नॉन जुडिशियल, जुडिशियल दूसरा होता है टेक्निकल। दोस्तों कम ऑन चेक इट आउट, मैं क्या बोल रहा हूँ, 413 की बात करेंगे, 413 की बात करेंगे, करेंगे बात कर लो। आपको मैंने अभी महेश कुमार जो दिखा था, महेश कुमार कौन है, मतलब चेयरपर्सन है प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है ना एनसीएलटी का, प्रेसिडेंट मतलब एनसीएलटी, चेयरपर्सन मतलब उसके ऊपर वाला चेयर पे बैठता है। ओके लेट्स डू इट फास्ट, कम ऑन हरी अप। सेक्शन नंबर 413, द प्रेसिडेंट एंड एवरी अदर मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शाल होल्ड ऑफिस, कितने साल के लिए, बेस्ट है, फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड शाल बी एलिजिबल फॉर द री फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years। मतलब मैक्सिमम कितने सालों के लिए अपॉइंट हो सकता है, 5+5 के लिए 10 सालों के लिए, द पर्सन कौन सा इंसान याद कर रहा है, प्रेसिडेंट एंड एवरी अदर मेंबर, मतलब कौन से लिख दो, जुडिशियल एंड टेक्निकल, जुडिशियल एंड टेक्निकल, जुडिशियल एंड टेक्निकल। उम्र कितनी होंगी, उम्र उम्र, अ मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस, मतलब महेश जी की बात कर रहे हैं, महेश जी अब कितने साल काम करेंगे, और महेश मित्तल की बात हो रही है और उसके गैंग की बात हो रही है। अ मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस, ओ कब तक सर, 67 तक ही काम करेंगे महेश जी, यस, और इन केस ऑफ एनी अदर मेंबर 65 सर, मतलब क्या इधर लिखो, जुडिशियल टेक्निकल 65 तक काम करेंगे। सर इतना ऐसा क्यों, 67 के बाद में इंसान को होता क्या है, हौला हो जाता है, वाह 67 के बाद में इंसान अपने खुद को नहीं संभाल सकता, देश को क्या संभालेगा 67 में, अब उसको बाद में उसने भगवान के लिए अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए, उसके जिंदगी में भक्ति साधना आरती सब पूजा हो जाना चाहिए। 67 के बाद में इंसान की जिंदगी में यही होना चाहिए बस, पूजा अर्चना भक्ति साधना, बोलो राधे आस्था, बोले छिछोरे आस्था, बोलो राधे राधे हरिओम राधे। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हु हैज नॉट अकम्प्लीट कितना 50, ओ माय गॉड, ये कैसा कैसी बात है, ये क्या लिखा है ये मतलब आपकी उम्र कम से कम 50 की होना जरूरी है सर, मतलब 50 के पहले आदमी क्या रहते हैं 50 के पहले होना बाद में होना जिंदगी में सारे 50 के पहले बोलते हैं आदमी इज नॉट मैच्योर्ड इनफ टू गिव द डिसीजन, तो ये यास्तिक ऑफ वी आर नॉट मैच्योर्ड, वी आर इमैच्योर्ड, इसलिए देश को चलाने के लिए और देश की एनसीएलटी चलाने एक मैच्योर बंदा हैविंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, जिसकी उम्र कम से कम 50 और मैक्सिमम 67 की, और मेंबर की उम्र कम से कम 50 मैक्सिमम कितनी, सर ये मेंबर की लिखी है प्रेसिडेंट की कहा लिखी है, कोई जवाब देगा, मैंने जब ये कहा 50 या किसकी लिखी है, सर इसका मतलब प्रेसिडेंट की उम्र कितनी, प्रेसिडेंट बाली उम्र का भी अपॉइंट हो सकता है, वैसा कहां लिखा है मेंबर, इधर ए मेंबर लिखा है, व्हाई डू यू से मेंबर इज आल्सो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इज आल्सो मेंबर, ए क्या रे, हाँ बोल क्या लिखा है यहां पे, अपॉइंटेड एज अ मेंबर, मेंबर की उम्र 50 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट की हो सकती है, अरे नहीं तो तुम जिद कर रहे, बताओ ना कहां लिखा है ऐसे, सर लॉजिक तो ये लगता है कि मेंबर इतना मेंबर चिल्लर आदमी हो कि उसकी उम्र 50 और प्रेसिडेंट, इसीलिए 407 के डेफिनेशन में जाओ स्टार्टिंग में, मेंबर इंक्लूड्स प्रेसिडेंट आल्सो, आओ 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 आओ, मेंबर मींस मेंबर जुडिशियल टेक्निकल और द अपीलेट इंक्लूड्स ओ प्रेसिडेंट चेयरपर्सन, समझे आप,
मेंबर मतलब जुडिशियल भी, मेंबर मतलब टेक्निकल भी, मेंबर मतलब प्रेसिडेंट भी, मेंबर मतलब चेयरपर्सन भी, सबकी उम्र कम से कम 50 की। मतलब आपको अगर जब एनसीएलटी में घुसोगे तो आपको काफी बुजुर्ग लोग दिखेंगे, आपको फील होगा हम नेक्स्ट लेवल में आ गए। ठीक है, किसको इंग्लिश समझते हैं इसका जवाब दें। एक साल लीन की बात कर, लीन मेंबर में रिटेन इज लीन विद द पेरेंट कैडरे। सर क्या बोल रहा है, पेरेंट कैडरे कभी सुना ही नहीं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट वाइल होल्डिंग इज ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। बोल चंडी बोल, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? किसका लायबिलिटी, किसका नहीं? जो बंदा महेश जी मित्तल जी जो आ रहे है तो ये क्या बोल रहा है वो, कुछ तो एक साल के लिए। जितने लोग की इंग्लिश अच्छी जल्दी से बताओ, इंग्लिश इंटरप्रिटेशन प्रोवाइडेड फॉर दैट द मेंबर मे रिटेन। मेंबर मतलब कोई भी, प्रेसिडेंट हो या चाहे जुडिशियल और टेक्निकल कोई भी। His lean. What is the parent cadre, minister of department while holding office of not of for a period not exceeding 1 year? एक और पोस्ट में काम कर सकता है एक साल तक। ओए होए होए होए, सही बोल रहा है। आप भी कुछ ऐसा बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या बोले सही? क्या होता ना, ये बंदा जब अपॉइंट होता ना, ही वॉज वर्किंग विद समबडी एल्स। एक्चुअली ऐसे कोई भी किसको भी उठा के नहीं लाते हो, कोई बंदा और जैसे अच्छे लेवल के लोग रहे। जैसे एग्जांपल अपन बता, प्रेसिडेंट वॉज शुड बी हाई कोर्ट का जज, या 10 साल डिस्ट्रिक्ट 5 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। अब तुमने 5 साल के डिस्ट्रिक्ट जज को उठा के लेकर आए, ए आ इधर लगा, कल से तो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगा। पर वो बोलेंगे मेरे हाथ में जो केसेस चल रहे उसका क्या करूँ, ए इधर बैठ, बोला ना। ऐसे नहीं होगा, उसको आप एक साल तक का चांस दो, उसका जो नहीं है थोड़ा बहुत जो मैटर पेंडिंग होगा तो एक साल तक उधर भी काम करेंगे इधर भी काम करेंगे। आपको जैसे नहीं कि आर्टिकल्स का होता है, आर्टिकल्स अगर छोड़ के जाते हो बोलते बॉस बोलते तेरे हाथ का काम तो खत्म कर पागल, ऐसे ही जरा बोले नहीं सर लीव चाहिए, हे हाथ पे काम खत्म कर। तो क्या होता ना, वो हाथ पे काम खत्म करके अगर तुमने शुरुआत की तो खत्म तुम अच्छे से कर सकते हो ना। अभी कोई और बलता तीसरा आर्टिकल आएगा तो क्या करेगा उसमें? तो उसको बोल रहे कि तो तेरे हाथ के जो काम है ना प्रीवियस कोर्ट्स के, हो सकता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज था, हो सकता है ही वाज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो लेट हिम बी यू नो वर्किंग एट बोथ द कंपनीज टुगेदर फॉर 1 more year। एक साल पर, एक साल के बाद में मतलब वो पैरेलल चलेगा, पुरानी वाली के साथ भी रहेगा और नई वाली के साथ भी रहेगा। कितने साल तक? एक साल तक डबल, एक साल तक याद रहना एक साल। इसका मतलब क्या हुआ, एक साल से ज्यादा उल्टा सोचो, एक साल से ज्यादा तक तुमने वो नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दो पोजीशन में लेकर टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल की? ओ सर वापस से टर्म, पहले में भी टर्म, फर्स्ट में और थर्ड में क्या कंफ्यूजन है? फर्स्ट में इट वाज फॉर द एनसीएलटी प्रेसिडेंट, नाउ इट इज फॉर एनसीएलएटी अपलेट ट्रिब्यूनल। इधर भी 5 साल, इधर भी 5 साल। सर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा क्या? अरे नहीं हो रहा मेरे भाई डुप्लीकेशन, ऊपर किसके लिए लिखा था? एनसीएलटी के चेयरपर्सन और एनसीएलटी के जो मेंबर है वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो गए, फर्दर अपॉइंटमेंट 5 साल। अब की बार एनसीएलटी नहीं है, एनसीएलएटी है। Okay. और साल भी, ये भी लोग 5 साल के लिए और अपॉइंट हो सकते हैं, 5 और 5 10। रेस्ट्रिक्शन ऑन द होल्डिंग, ओ माय गॉड, ये आदमी तो 70 तक काम कर सकता है, कुर्सी पे बैठता ना इसीलिए। मुझे तो क्या लॉजिक है, दिस नो लॉजिक मे बी दिस इज द लॉजिक। मतलब ऐसा क्या है 67 में कहीं लिखा है क्या साइंस में 70 तक काम करो तो आदमी ठीक रहता है, ऐसा कुछ है? लॉजिक जनरल। और मुझे बताओ, चलो 67 उधर लिखे, अगर इधर 67 लिखते तो क्या प्रॉब्लम थी इनको? पर हम जैसे स्टूडेंट्स को तकलीफ देने के लिए, याद करने के लिए बना दिया, उसका 67 याद रखना है, ये आदमी 70 तक काम करेगा, और उधर जो 65 तक काम करता अब वो 67 तक काम करता। क्यों ऐसे? नहीं लॉजिक कुछ है? नो लॉजिक इज अ लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं। याद करो, क्या क्या फर्क पड़ता है इस आदमी को? बोले तू 70 तक, बताओ कोई आदमी कौन है 70 साल तक काम करने वाला? बता तुमको लग, महेश जी काम करेंगे 67 तक, और जो दूसरा बंदा आ रहा है ना, चलो मैं आपको एनसीएलटी के हसीन व्यक्ति से मिलाता, ऐसे व्यक्ति को आपने आज तक देखा नहीं होगा।
देखो ना ऐसा कुछ हुआ दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सुने आवे छड़ सारी गलियां में नाल तेरे तुर चलिया में ले चलूं जिको दुनिया से तू दूर चोरी चोरी जद तेनू तकिया में खुद को संभाल न सकिया। बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहेंगे, ये कौन है अंकल, कौन है ये मिश्रा जी, क्या मिश्रा जी, ये कौन है सर, इतने लोग क्यों चाहिए, देखो अंकल देखो प्रदीप सेठी जी सर, कौन है, जुडिशियल है टेक्निकल है, इसमें से कुछ कुछ जुडिशियल है कुछ कुछ टेक्निकल है, जुडिशियल टेक्निकल कितने भी हो सकते हैं, पर जो प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन एक ही के होंगे तो ये तो प्रेसिडेंट है पक्की बात। अब मुझे सिर्फ देखना है वो कौन है चेयरपर्सन, चलो चेयरपर्सन, चेयर चेयरमैन नहीं, चेयरपर्सन ऑफ किसका, ऑफ NCLAT कौन है, ओए होए कितनी इज्जत वाला आदमी लाया मैंने यहाँ पे, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को लेकर आ गए इधर, इसका फेसबुक प्रोफाइल देखिए, बहुत टशन में भाई, 15 मार्च 1950 का जन्म है इनका, कितनी उम्र हो गई भाई हम जाने का सर, जाने का टाइम आया भाई इनका, अभी अंकल से एक साल और काम कर पाएंगे उसके बाद में संसार से मुक्ति। और कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मतलब कितना होशियार बंदा होगा यार, कितने लेवल से ये होशियार बंदा होगा, ये चेयरपर्सन बना दिया उसको, इतने देखो ना क्या क्या किए, LLB भी किया है पटना से, और क्या है रांची बेंच में भी थे हाई कोर्ट के, देखो डिजाइन सीनियर एडवोकेट क्या लिखा है हाई कोर्ट पटना, ट्रांसफर टू कहा है परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट झारखंड। आपने अगर देखा होगा इस बंदे को तो ही वॉज एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इंडिया 14 मार्च को आ गया था चेयरपर्सन, फिर बाद में उनको मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अच्छे अच्छे व्यक्तियों को उठा उठा के बराबर सही जगह पे फिट करवाती, टैलेंट को देखा हाई कोर्ट मिला है, टैलेंट को देखा सुप्रीम मिला है, टैलेंट को देखते हुए सुप्रीम से उठा के, अब समझ पेरेंट कैडर क्या बोल रहे हैं, और वो एक साल तक सुप्रीम कोर्ट का भी काम करेगा वैसा समझा, तो ये व्यक्ति है, उम्र है इनकी 69, एक साल बचा हुआ है काम और करेंगे बस। पर महेश जी बोल रहे हैं इसमें मेरा घाटा क्यों, बिकॉज महेश जी तो सिर्फ 67 तक काम कर पाएंगे और ये इसको 70 तक काम कर पाएंगे। अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा गंदा कर रहा हूँ, इसका टॉप रिस्क मैनेजर मेंबर की एज सेम ही है ना 65-70, मिनिमम एज कितनी है 50, इधर भी 50 है, इधर भी 1 ईयर लिखा है, सेक्शन वैसे खत्म हो गया है, एक बार याद कर लेते क्या बगैर देखे बोलो, हाँ बोलो भाई चलो, अरे बोलो भाई चलो, अरे बोलो भाई, एज किसकी एज, NCLT, ये कौन है NCLAT, NCLT में दो बच्चे हुए कौन से, एक तो प्रेसिडेंट हुआ एक तो मेंबर हुआ, इधर भी मेंबर हुआ इधर भी चेयरपर्सन, क्या कर रहे मेंबर में दोनों भी है, प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी मैक्सिमम कितनी
67 मिनिमम कितनी 50 लिखते क्या ये सब एक साथ लिख लो तेरे ख्यालों मिनिमम 50 तो चाहिए उनको सेक्शन नंबर 414 गाइस कम ऑन चेक इट आउट सैलरी अलाउंसेस की बात हो रही है यहां पे डिलीट है मैंने बोला था कि बहुत आगे जाएंगे डिलीट करने का जो आनंद है मुझे मालूम है कितना मजा आता है ओ माय गॉड दोस्तों आ गया वो समय जानने का अगर वो नहीं तो कौन काम करेंगे सोचो एक दिन महेश जी की तबीयत खराब हो गई मैं जी बोले अब मैं कुछ दिनों के लिए 2 महीने के लिए काम नहीं कर सकता अब कौन काम करेगा एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन ड्यू टू डेथ अफसोस रेजिग्नेशन छुट्टी पे चले गए दुनिया को छोड़ दिया खुद छोड़ गए और अदरवाइज लिखा है बहुत अच्छा लिखा है अदरवाइज लिख के एक्सीडेंट भी तो हो सकता है वैकेंसी 2-4 महीने के लिए कोमा में चले गए ऐसा होना नहीं चाहिए रहे मैं तो अब आई मीन अदरवाइज लिखा है इसलिए ना मैं डेथ रेजिग्नेशन डेथ मतलब मराने पर हो सकता है 2-4 वापस आने का होगा द सीनियर मोस्ट मेंबर शल क्या लिखा है क्या लिखा है Senior most member shall act as a president or chairperson as the case may be until the date on which the new president chairperson appointed in accordance with provision of this act. मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है कोई रेजिग्नेशन या कुछ हो जाता है उसकी जगह पे जब तक कोई नया नहीं आएगा तो हमारे जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं बोलो यार उसके जो सीनियर मोस्ट बंदा है उसको बना देंगे तब तक का जैसे भारत में होता है ना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है तो जब तक नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता तब तक वाइस प्रेसिडेंट को संभालता है ओके ऐसे ही इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑफ फिल्ड आपको कुछ डाउट आएगा इसमें इस चैप्टर में अभी समझना कोई भी डाउट आने वाला नहीं है ये चैप्टर चलते रहेगा और अपने आप खत्म हो जाएगा सर ऐसा कुछ ये चैप्टर क्या है मालूम है जैसा नहीं क्या हम लोग व्हेन आई रीड डायरेक्टर्स और व्हेन आई रीड अमलगमेशन एंड ऑल दैट There are a lot of things to be interpretation. यहाँ पे interpretation नहीं है अब उसकी उम्र 70 था उसमें मैं क्या बोलूंगा मतलब यहाँ पे जो है ना अब इसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर तो करेगा उसमें मैं क्या बोलूंगा बताओ बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट देखियो कुछ इसमें देखो कुछ कुछ चैप्टर्स का पढ़ने का पता होना चाहिए कुछ चैप्टर्स में अंदर जाने का तो डेप्थ है इसमें डेप्थ लायक कुछ नहीं है इसमें है तो अभी ये बोल रहे क्या वो ये नहीं है तो उसके बदले में सीनियर काम करेंगे तो सीनियर काम करेंगे आपने कभी देखा होगा कभी भी हम लोग एक एक लाइन के ऊपर अंदर खोद खोद के अंदर चले जाते वैसे इधर वो चैप्टर नहीं है ये एनसीएलटी के बारे में बता रहा है हाँ हमने पहले 45 मिनट्स ये जानने की कोशिश की कि एनसीएलटी आया क्यों है किन को मार गिराया तब आया वो अलग बात थी समझने की जो बुक में भी नहीं जो हमने समझा हाँ वो लगता भी देख देख के और ये जो अभी मैं पढ़ने जाऊंगा अभी तुम बोलेंगे 5-10 मिनट में हम लोग 2-5 सेक्शन और खत्म कर जाएंगे आपको फील होगा सर इतने जल्दी कैसे हो रहा है
हम भगा रहे नहीं, हम उड़ा रहे भी नहीं। ये चैप्टर है ही वैसे ना भाई, अपने आप ही खत्म होते रहेगा। हाँ, पर इतनी बात की गारंटी है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपको याद जरूर रहेगा। ओके, तो इस चैप्टर के जो रिक्वायरमेंट है, आपको जैसे कोई इंस्ट्रूमेंटल सुनते हैं ना, बस अपने आप सुनते चलते रहते हैं। अब मेरा इंस्ट्रूमेंटल चालू हो गया। ओके, सुनते रहना, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखिए, बताएंगे अगर कोई चेयरपर्सन, कोई प्रेसिडेंट चला गया, डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गई, या किसी भी कारणवश नहीं आया, तो उसके बदले में तब तक जब तक नया नहीं आता, हमारे ही एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल में से कोई सीनियर मोस्ट बंदा काम करेगा। कब तक काम करेगा? जब तक व्हेन प्रेसिडेंट चेयरपर्सन इज अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन ओइंग टू इलनेस और एनी अदर थिंग, सीनियर मोस्ट विल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज अंटिल द डेट ऑन व्हिच, समझा गया? वही बोल रहा था, बताओ 102 में क्या है? यहां पे वो परमानेंट चले गए। वन और टू में फर्क क्या है? वन में वो बंदा जैसा गया, आने का कोई स्कोप नहीं। और दो में वो गया है, ही'ल कम बैक। चाहे वन हो चाहे टू हो, देवी और सज्जनों, अगर गया है, जब तक कोई नया वाला नहीं आता या नई वाली नहीं आती, टेम्परेरी कोई तो को जुगाड़ चाहिए। अब पुरानी वाली भी चले गई, नई वाली का आने में टाइम है, तब तक ये जुगाड़ है। ऐसा होता ना जिंदगी, पुरानी वाली चली गई, नई वाली का टाइम है अभी, तो वो जो टाइम गैप है उसके बीच में जुगाड़ है। और जुगाड़ कैसे? सीनियर मोस्ट पर्सन। क्यों हंसे आप, मैं समझा नहीं। एनीवेज, बहुत भारी था सेक्शन है। रेजिग्नेशन, क्या कोई चलता आदमी छोड़कर जा सकता है अचानक से, कल से मैंने, ए रोक, हमने सी आर्टिकल को भी ऐसा जाने नहीं दिया। कोई बोल एक सर मैं कल से नहीं, अरे कल से नहीं आ रहे, अपने ऑफिस में कितने दिन का नोटिस है? आर्टिकल से नोटिस देके जा सकते क्या? जॉइंट रिजाइनेशन अलाउड नहीं है, अलाउड है ना? कितने दिन की नोटिस देना पड़ते? एक महीने की, एक महीने की नोटिस। क्या क्यों एक महीने की? ऐसा बोलना कल से नहीं आ रहा, ऐसा अलाउड क्या? व्हाट इज द लॉजिक? जो आपके हाथ में जो काम होते हैं, जो आप मैनेज कर रहे हो, इट इज टू बी कंप्लीटेड, और तब तक एक महीने का काम आपके बॉस को मिलना चाहिए कि कोई और ढूंढे। इसलिए इनको भी ऐसा ही है, बड़ा बड़ा जज अगर काम चाहिए, एनसीएलटी का महेश जी बोल रहे कल से नहीं आ रहा है, ये अंकल कौन से दूसरे, अरे कौन से थे ये, क्या नाम है इनका, अरे क्या नाम ही भूल गया अब तो, बाबा बाबा। नाम में ही कॉन्सेप्ट है। सिद्धांशु ज्योति, नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें याद रखना बहुत मुश्किल है। एसजेएम है, एसजेएम, सुधांशु, सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय। ओके गाइस, जो सुधांशु है, सुधांशु ज्योति जी, ये अगर कल बोलेंगे मैं कल से नहीं आता, तो ऐसे नहीं जा सकते अंकल। देखो पहली बात, आप ऐसे नहीं जा सकते अंकल, आपको अंकल कम से कम 3 महीने तक काम करना पड़ेगा, या फिर आपको तब तक काम करना पड़ेगा अंकल जब तक कोई और नहीं आता। समझा गया मैं क्या बोला? एक तो अंकल 3 महीने तक और काम करेंगे, या अंकल बोलेंगे देखो मैं देखो अंकल फिर एक काम करो, अगर तुमको जल्दी जाना तो अंकल तुम्हारे बदले में कोई और लेकर आ जाओ जो तुम्हारे लेवल का चाहिए। बोले वो 1 महीने में आ जाएगा, तो कोई बात नहीं 1 महीने तक काम करो। एक तो अंकल को कम से कम 3 महीने तक काम करना पड़ेगा, चाहे कोई नया आए ना आए, पर अंकल बोलेंगे मेरे बदले में कोई चाहिए ना लेकर आता, मेरा बेटा है यही लेवल का है उसको लेकर आ जाए। तो उसकी अपॉइंटमेंट वैसी होना चाहिए जैसे सीजी को भी लगना चाहिए, उनका बेटा लेवल का है। और अंकल, अंकल बोलने लगे आप नहीं जानते, आप ना मैं 3 महीने काम करूंगा ना मैं 1 महीना,
मैं तो कल से ही नहीं आऊंगा। अंकल आप ऐसे नहीं जा सकते। जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अंकल देखो आप लोग देखो मैं जाऊंगा कल ही जाऊंगा बिकॉज कल मेरा हैप्पी बर्थडे है और भी 70वां। अगर अंकल का 70th बर्थडे कल ही है ना दुनिया की कोई ताकत अंकल को बिकॉज लॉ भी कहता है आदमी 70 के बाद में नहीं, काम नहीं कर सकते। बोलो जल्दी से तीन बातें कौन सी विच इज लोअर। 3 महीने अच्छा अगर 3 महीने काम करो और अगला 6 महीने बाद आ रहा हूँ तो 6 महीने नहीं रे हो लगे तो क्या बोल रहे ये देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला 3 महीने और नेक्स्ट वाला बंदा 6 महीने बता रहा हूँ तो अंकल को 6 महीने रुकने का बोल रहे है। 3 महीने मैक्स है मैक्स 3 महीने और अगला वाला बंदा 2 महीने में आ गया तो 2 पर अंकल बोल रहे वो सब छोड़ो बाजू में 3 और 2 मैं तो हैप्पी बर्थडे कल ही है आज रात में 12 बजे हैप्पी बर्थडे वो भी 70 कंप्लीट कर रहा हूँ मैं तो खत्म फिर हाँ आज रात से अंकल क्या बोल रहे आज रात से अंकल नहीं आएंगे। अच्छा ऐसा हुआ मान लो अंकल का हैप्पी बर्थडे नहीं है पर अंकल ने 5 साल कंप्लीट कर लिए बोलेगे ना मैं 3 महीने काम करूंगा ना नया आने वाला 2 महीने तक आज रात से मैं आने ही वाला नहीं। बोले अंकल क्यों भाई चिल्लाने की जरूरत नहीं है हमारे 5 साल का कार्यकाल हमने खत्म कर लिया है ना 3 ना 2 आज रात से विच इज देखो 3 बातें लिखे विच इज अर्लियर में कोई भी इंसान जब जाएगा तो 3 अंडरलाइन द वर्ड गाइस द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन और एनी मेंबर कोई भी छोड़ के जा सकता है जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता बाय नोटिस इन राइटिंग अच्छा है अच्छा बोला नाइडन ओरली मत बोलना लिख के बोलना जाना है अंडर हिज हैंड अच्छा वो भी अपनी हैंड राइटिंग में सीजी को बोले अच्छा सीजी को क्यों बोले बिकॉज लाया किसने था उसको provided that the president chairperson member shall continue to hold shall hold hold kab tak office until underline the 3 minute tak to kam se kam or until the person duly appointed as his what successor enters upon his or until the expiry of his term do aur likhe hai iske andar ek to koi naya banda aa jaye ya fir naya banda nahi bhi aa gaya par uske 5 saal ka karyakal ya fir uska 70th happy birthday aaj ho raha hai aur agar wo president ki baat kar raha hai 67th ho raha hai to fir to dekho 5 साल का तो कोई टेंशन ही नहीं अगर 5 साल कंप्लीट आज रात को ही हो रहे तो तुम बोलेंगे 3 महीने 1 महीना वो तो रुकने वाला है नहीं वो तो जाने ही वाला आज बिजी डाल ली। मैं आपको एक दो केस स्टडी दूंगा आप मुझे बताना समझो नया वाला बंदा 6 महीने बता रहा है नया वाला बंदा 6 महीने आ रहा है तो यस टू वर्क फॉर पक्का नया वाला बंदा 2 महीने बता रहा है पर नया वाला बंदा 2 महीने बता रहा है और उसका हैप्पी बर्थडे 70 का ही कट कर देना हाँ बराबर है 70वां हो गया वो कट कर देना हम लोग बहुत आगे जाएगा 70वां ही बराबर बोल रहा हूँ मैं 70th बर्थडे बोले रात को आ जाना पार्टी में बोलो कब तक काम करेगा तभी सवाल है 3 महीने तक 2 महीने तक कोई उसके बिहाफ में आएगा तब तक या हैप्पी बर्थडे रात में तब तक बस 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 अब नहीं रोक सकते अब उसको अभी अंकल को जाना है जाएंगे। भाई और बहनों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सेक्शन नंबर 408 410 415 and 416 में क्या 416 में क्या फर्क है 417 में क्या फर्क है सारे सेक्शन लिखता हूं मैं 408 410 416 417 408 में क्या था लाया उनको किसने लाया उनको और 410 में NCLAT को लाया मतलब NCLT के बंदों को 408 में लाया NCLAT के बंदों को 410 में लाया फिर 416 में क्या बोला अच्छा चलता हूं मैं दुआओं में याद रखना हा? और 417 में तू मत जा तू क्या जाएगा तुझे क्या लग रहा तू जाएगा बोलते ना कोई मुझे तुम क्या तलाक दोगी मैं तुम्हें तलाक दे रही हूं
तुम क्या छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। 416 का पावर नहीं, 416 में खुद जा रहा है, और तुम क्या छोड़ के जा रहे हो, हम तुम्हें निकालेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहां पे आए और आने के रास्ते देखो, चाहे मेंबर हो कोई भी, उसको इनकमिंग के दो रास्ते और ये आउटगोइंग है। आउटगोइंग में दो चीजें है, एक तो रिजाइन है, एक तो रिमूवल है। रिजाइन 416 इनकमिंग के दो रास्ते, ये है एनसीएलटी एनसीएलएटी, समझा क्या? लिखते क्या जरा, इनकमिंग आउटगोइंग। ऐसे जब चार्ट्स बनाते हो ना, आपका फोकस उस सेक्शन नंबर पे जाता है, यू आर एबल टू रिमेंबर सेक्शन नंबर ऑल्सो। फटाफट लिख के खत्म करने का। ओवर ओवर गाइस, चैप्टर आज कितना हो जाएगा? 50% से ज्यादा। पढ़ाओगे आगे? ग्राउंड्स फॉर रिमूवल द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, कौन है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर्वोच्चम सुप्रीम कोर्ट का जज है ये, सबसे बड़ा। कौन है इस समय आदमी? सर कौन है ये भारी आदमी के बाद? अरे इससे भारी कोई नहीं है इंडिया में, ये सारे जजेस के पापा है। सुप्रीम नहीं नहीं चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन? रंजन गोगोई। गोगो क्या है भाई? अच्छा है, 3 अक्टूबर को आए थे, 1954 का जन्म है इनका। मतलब ये जज वाले लोग थोड़ा से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नो, एक्सपीरियंस। एब्रिवेशन CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टर्म लेंथ 65 तक, 69 इयर्स अगो फॉर्मेशन हुआ था। क्या फॉर्मेशन बोल रहे हैं? फॉर्मेशन लिखते क्या फिर? कुछ नहीं लिखते। सैलरी 2,80,000। बेटा उनके जो सैलरी से ज्यादा जो पर्क होते हैं ना, उनको इंसेंटिव्स, तुम सारे काम छोड़ दोगे और जो स्वैग है ना, स्वैग, तुम्हें लगेगा कि मैं क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं ऐसा बनना चाहिए। उठना बैठना ऐसे लोगों में, घर भी दो दो तीन दिन करके घर होते हैं तुम्हारे, बाजू में प्राइम मिनिस्टर रह रहे, बाजू में राष्ट्रपति रह रहे, तुम बीच में रह रहे हो, जेड सिक्योरिटी, गाड़ियाँ, सारे सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाती है, उसको तो सैलरी की जरूरत ही नहीं है। क्या करें सैलरी का, सब फ्री में होता है, सारे एजुकेशन बच्चों के कोटा वोटा सब खत्म हो जाते हैं, इनको हॉस्पिटल में पैसे लगते नहीं। नेक्स्ट लेवल है,
बहुत बड़ा आदमी है, इससे बड़ा कोई भी जज नहीं ना इंडिया में, मतलब इंडिया के सारे जज के पापा ही, इससे कोई बड़ा जज नहीं इंडिया में गोगो से, रंजन गोगोई, रंजन गोगोई, कोई तो कौन से स्टेट से बताएं, कौन से स्टेट से, आसाम, रंजन गोगोई, क्या बोल रहे रे? ए रुक रे, कितना इंपॉर्टेंट चल रहा तेरा ब्रेक चल रहा है, कौन बड़े बड़े हस्तियों से मिला रहे तुझे? सीजी में आफ्टर कंसल्टेशन विद व्हाट सीजे, मतलब गोगोई रिमूव फ्रॉम द, किसको निकाल सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट, मतलब महेश कुमार को निकाल देंगे, ये चेयरपर्सन शोभा, क्या नाम था उसका, सुभांशु ज्योति मुखोपाध्याय, और एनी मेंबर हु हैज, ओ अब है, निकालेंगे कब, किस ग्राउंड पर, हु हैज बीन एडजस्ट, जिसका दीवाला निकल चुका हो, ऐसे व्यक्ति को, सर आपको क्या फर्क पड़ता है उस आदमी का दीवाला, न्याय तो बराबर दे रहा ना, जो आदमी दीवाला निकल, जिसके पास में कुछ नहीं बचा है, वो आदमी कुछ रास्ते ढूंढ सकता है, अब उसका 2,80,000 में कुछ नहीं होगा, या 2,00,000 में कुछ नहीं होगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ये लोग को एग्जिस्टिंग सैलरी से कुछ नहीं, अगर जिसका इंसॉल्वेंसी हो चुका है इसके आदमी मिल गया, वो सेटिंग करेगा, इसलिए हटा दो, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जो न्याय दे रहा है खुद ही अन्याय कर चुका है, बताओ कोई जज अगर ऐसा मान लो जज को 3-4 साल की सजा हुई थी और जज बना, तो कैसा देखना है? बोले मैं एक्सपीरियंस हुआ है, कन्विक्टेड नहीं चले ना, मतलब कोई भी इंसान यहाँ पे अगर वो प्रेसिडेंट बन रहा है, चेयरपर्सन बन रहा है, मेंबर, वही अगर गुनेगार होगा तो फिर कैसे चलेगा, नॉट अलाउड, और पर वहां पे लिखा मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कि वो मॉरल टर्पिट्यूड के, मतलब अमानवीय घटनाओं में जेल में गया था, मान लो इनकम टैक्स या GST नहीं भरा, उसको 2-3 महीने की सजा होगी, वो अमानवीय कुछ नहीं है, वो तो ठीक है, बेचारे के पास वो सेटिंग कर रहा था, अमानवीय मतलब क्या, ऐसा कुछ मर्डर कर दिया जेल में था, मॉरल टर्पिट्यूड की बात कर रहा है, कोई भी जेल नहीं, मॉरल टर्पिट्यूड वाला, हैज बिकम फिजिकली, देखो हवला बन गया, आप बोलते ना हवला क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं मेंटली इनकैपेबल, मतलब ही हिंदी में हवला, दीवाना हो गया, उसका मन अपने बस में, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, अपने मूवी देखे देखे जॉली LLB, वो कहते हैं भारी एक्टिंग करता बंदा, क्या ना वो जज बना था, देखो उसमें वो कैसे, वो बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पूरी रात भर चलाता है वो कोर्ट, मालूम है वो मूवी, तो कभी कभी नहीं जज भी फ्रस्ट्रेट हो जाते, तो समझे जैसे फ्रस्ट्रेशन में कोई इनकैपेबल हवला हो गया, जाओ भाई घर पे जाओ, has acquired such financial, अच्छा ये क्या लिखा, ऐसा पॉइंट तो क्या बोलवा है, बताओ क्या पॉइंट है, अगर NCLT में मर्जर का केस आया, आइडिया वोडाफोन का, और इस जज का वो आइडिया वोडाफोन में कुछ स्टेक है, तो ये जजमेंट जब जज देगा तो ये कुछ तो बायस देगा ना, तो ऐसे बंदे को कैसे रखेंगे फिर, ही इज द पार्टी टू इट, मतलब किसका ऑपरेशन हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है, और जिसका वाइंडिंग अप होने जा रहा है उसके अंदर उसका स्टेक है, सपोज मैं कौन हूँ, मैं महेश कुमार मित्तल हूँ, और आइडिया वोडाफोन में मेरा 30% स्टेक है, और केस मेरे पास में आए हुए, तो मैं तो कुछ भी ऐसा डिसीजन लूंगा जो बायस्ड है, हैज सो अब्यूज्ड अपने अपने पोजिशन का, आजकल जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं अब्यूज करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, बोलते अब्यूज मतलब कोई कोई जज है, कोई जज ने रिश्वत ली होगी, अब्यूज किया, अपने पावर का मिसयूज किया होगा, तो ऐसे लोगों को निकाल दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन द क्लॉज B-2E विदाउट गिविंग, कम ऑन गाइस, अपॉर्चुनिटी बीइंग हंड, मतलब कब निकाले, कब अपॉर्चुनिटी बीइंग हंड नहीं देंगे, इंसॉल्वेंसी में बोलने लायक क्या, यू आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने तुम्हारा इंसॉल्वेंसी बोल चुका, अब तुम उसमें बोलने लायक क्या बचा है, हाँ कोई आदमी पागल है तो उसको बोलने का मौका दो, कोई रिश्वत ली होंगी तो उसने को वो बोलने का मौका दो, वो हौला हो गया कोई बोलने का मौका दे ही उसको, उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो उसको बोलने का, देखो निकालो मत, निकालना तो निकालो पर उसको एक बार बोलने का मौका दे, रीजनेबल वही लिखा है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट एन ऑर्डर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड्स प्रूव्ड बाय
misbehavior or incapacity after an inquiry made by judge of the Supreme Court nominated by CJI on reference made to him by the Senate. आपको नहीं समझेगा मैं बोलूँ क्या? इधर इधर देखो, वो बोलता है ऊपर वाले पांच grounds को without prejudice. Underline the word without prejudice. मतलब जो ऊपर वाले पांच point लिखे तब तो निकाल ही सकते हैं. उसके अलावा कौन निकाल सकता है? उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज को सीजीआई ने अपॉइंट किया. जाके जरा देख रहे वो जज जरा प्रेसिडेंट चेयरपर्सन बराबर काम करते हैं क्या? कौन चेक करने गया? सुप्रीम कोर्ट का जज चला गया ऑडिट करने के लिए. किसको ऑडिट करने के लिए? कि प्रेसिडेंट चेयरपर्सन बराबर मेंबर सब काम करते हैं नहीं. और उनको ऐसा आइडेंटिफाई हुआ किसको? सुप्रीम कोर्ट का जज को कि जो चेयरपर्सन ये जो प्रेसिडेंट या जो मेंबर अपॉइंट हुए हैं वो क्या करते हैं? अंडरलाइन द वर्ड मिसबिहेव करते हैं या फिर उनकी इनकैपेसिटी है तो ऐसे समय पे उनको निकाल दिया जाएगा. वापस से बोलता, सुप्रीम कोर्ट को जज को ऐसा महसूस हुआ कि जो चेयरपर्सन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जो मेंबर अपॉइंट हुए हैं वो मिसबिहेव करते हैं. मिसबिहेव समझता है? कोर्ट में सबको गाली मारता है और खड़े रहकर डांस कर लेता है. कौन? जज. टाइम पे नहीं आता है, लोगों को बिठा कर रख रहा है. मिसबिहेवियर और क्या बोलते हैं इसमें, और क्या नाम है इसका? इनकैपेसिटी. समझता है? व्हाट इनकैपेसिटी? कैपेबल नहीं है ये आदमी. क्या जजमेंट दे रहा है? क्या बोल रहे है? जजमेंट होना चाहिए था कुछ और, बोल रहा कुछ और. इनकैपेसिटी और मिसबिहेव होगा तो ऐसे इंसान को क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा. पर निकालने से पहले क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए. पर पूरा समझ के लो, शैल नॉट बी रिमोट फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑर्डर मेड बाय सीजी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट. समझा? किसने इंक्वायरी की? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने. वो जो नॉमिनेट किसने किया? सीजीआई ने. ऑन रेफरेंस मेड बाय हिम सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच सच अ प्रेसिडेंट चेयरपर्सन मेंबर हैज बॉट इन्फॉर्म ऑफ चार्जेस अगेंस्ट व्हाट. समझा क्या? बोलो, इस बंदे को अपॉइंट किसने किया था? सीजीआई ने. सीजीआई को किसने बोला था? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला था, हे सीजीआई, मतलब हे कौन? गोगोई. तो मोदी जी बोलेंगे गोगोई को, हे गोगोई तो एक काम कर, सुप्रीम कोर्ट का जज जो भी भारी वाला ना उसको भेज. कहां भेज? एनसीएलटी में, एनसीएलटी में भेज. देख के वो लोग सब सही काम कर रहे हैं या, और अगर लगा कोई मिसबिहेव कर रहा होगा या कोई इनका वाला हो तो मुझे बताओ, मैं उनकी छुट्टी कर देता हूं. तो ऊपर वाले जो पांच पॉइंट है ना उसके इन एडिशन ही पॉइंट दिया हुआ है. अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो हौला है, वो क्या कर रहा है, वो रिश्वत खा रहा है, वो तब तो निकालेंगे ही उसको. ये एडिशनल कंडीशन है. सस्पेंशन बाय सीजी इन कॉन्करेंस विद सीजीआई. क्या लिख रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट में विद कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सस्पेंड फ्रॉम हिम द प्रेसिडेंट द चेयरपर्सन और मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम रेफरेंस हैज बीन मेड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 अंटिल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास्ड ऑर्डर ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द जज. क्या बोल रहा है? निकालने के दो तरीके हैं उसको. एक, उसको डायरेक्ट निकाल दे, या फिर उसको क्या करो, पहले सस्पेंड कर दो. आप समझे नहीं? निकालने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल आदेश नहीं आ जाता तब तक इसको सस्पेंड करो. अगर सच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दिया है तो ठीक है, नहीं निकाल तो वापस लेकर आ जाएंगे. अच्छे से पढ़ो. द सेंट्रल गवर्नमेंट में विद कंकरेंस विद किसके किसके साथ में? सीजीआई सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ होम रेफरेंस हैज बीन मेड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बोलो ना क्या बोल रहे हैं? ऊपर क्या लिखा था रे? फिर ऊपर क्या लिखा था? कहाँ लिखा था निकाल देंगे? रिमूव की बात कर रहे थे, अब सस्पेंशन की बात कर रहे थे. डायरेक्ट दो बातें हो सकती. कौन सी? नहीं यार, बोल रहे नहीं आप. सर कभी डायरेक्ट निकाल सकते? डायरेक्ट तो निकाल ही सकते उसको. पर मान लो कि अभी क्या होना है, एक रिपोर्ट तो आ गया, पर अब थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सोच रहा है कि यार निकाले क्या, नहीं निकाले क्या करे उसके बारे में, तो उसको सस्पेंशन का ऑर्डर भी दे सकते हैं. अभी तो देख लो, सीजी के पास में दो राइट है. एक तो डायरेक्टली उसको रिमूवल कर दे, या फिर उनको डाउट है तो सस्पेंशन करे. और सस्पेंशन कब तक करेंगे? जब तक उनको लगता नहीं
अब जब उनको लगा कि नहीं सस्पेंशन के बाद में दो बातें होंगी, एक तो उसको रिमूव कर देंगे बाद में, या फिर उसको वापस मतलब उसको वापस से कंपनी में लेकर आ जाएगा। ध्यान से देखना, सस्पेंशन के बाद में जरूरी नहीं उसका रिमूव ही होगा। सस्पेंशन क्यों किया? बिकॉज उनको लग रहा है कि उसको निकाल ही नहीं रहे, थोड़ा डाउट है इनको, तो बोले एक काम करो इसको सस्पेंड करो, थोड़ा सा दिमाग खराब है अभी समझ नहीं आ रहा, जैसे कंफर्म हो जाएगा उसको निकाल देंगे। हो सकता है वो सस्पेंशन कैंसिल कर दे उसको, वो कम बैक कर ले, कंटिन्यू कर दे ऑफिस। पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता कैसे है ये सब कुछ? सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है बोलो ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है मालूम है? अपॉइंट करता है किसको? सुप्रीम कोर्ट के किसको? जज को। और इसको यदि फील हो, क्या फील हो, कि वो बंदा मिसबिहेव कर रहा है या फिर वो इनकैपेबल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करेगा मालूम है? रिमूव करेगा, तो सस्पेंशन करेगा। आपको समझ आ रहा है क्या चल रहा है? ए गाइस कम ऑन यार, वेलकम बैक, बोलो जल्दी से, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा लगता है कि मिसबिहेव कर रहा है या फिर बंदे की कैपेबिलिटी नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक तो डायरेक्टली रिमूव कर देगा, या फिर अगर डाउटफुल है सस्पेंड करेगा। हो सकता है सस्पेंशन के कुछ दिनों बाद क्या करेगा? रिमूव करेगा, या फिर सस्पेंशन के बाद में उनको लगा नहीं नहीं इतना भी गलत नहीं है तो कम बैक भी कर जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस व्हाट आई सेड एवरीवन? क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओके, इज इट रनिंग? ओके, और क्या? बोलो बच्चों, हो गया क्या? एग्जामिनेशन में पूछेंगे रिमोल के दो ग्राउंड्स कौन से है? बोलो भाई कौन से ग्राउंड्स है? सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर कौन सा है? 417। इसका सबसेक्शन वन और टू कुछ बोलता है क्या? क्या है वन और क्या है टू? अरे तुम्हें हुआ क्या, बोलो ना। हाँ तो वन में क्या लिखा है? वन में पूरे ग्राउंड है ना, पांच ग्राउंड है। हाँ बोलो कौन से पांच ग्राउंड है? ये पांच ग्राउंड है ये, और टू में ये एडिशनल ग्राउंड है ना। बोलो बच्चों, तो क्या है इसका मतलब? क्या है रिमूव करेंगे? रिमूव के पांच ग्राउंड बोलो। नंबर वन, एक तो इंसॉल्वेंट है जिसमें उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट नहीं देंगे, दूसरी बात इनकैपेबल हो गया, हौला हो गया हो, तीसरी बात उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या फिर वो अपने इसका क्या बोलते हैं उसके ड्यूटी का अब्यूज कर रहा है, और एक बात थी कौन सी? कन्विक्टेड हो गया क्या वो? और इसमें क्या लिखा है? ये इन एडिशन टू है, वो इन एडिशन टू 417(1) बराबर है। इसमें कैसे निकालेंगे वो? हाँ, अगर किसको लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज को लग रहा है कि वो बंदा क्या करता है, वो मिसबिहेव करता है या इनकैपेबल है। अब बोलो क्या करेंगे इस केस में? उसको निकाल देंगे। कौन निकालेगा उसको? निकालेगा तो सीजी।
एग्जामिनेशन पूछेंगे निकालने के दो तरीके कैसे, तो ये निकालने कैसे तरीके 417 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, और ये पांच जो पॉइंट लिखे मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किए और ये भी उधर से लिखा है इन एडिशन टू 417 1। एनी अदर मेंबर्स मेंशन करके दे दिया ना, हाँ चाहते तो ऐसा लिखता था। लॉ मेकर को लगा कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उन्होंने लिख के दे दिए, पर हालांकि नहीं भी लिखता तो वो तो 407 में ही क्लियर है। लॉ मेकर को लग रहा था कि नहीं ऐसा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, किसी मेंबर को ही ऐसा रिमूव कर सकते, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, एक्चुअली इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। तुम्हारा लिखकर हो गया कि आगे बढ़ जाओ, क्या कर रहे हैं आप, जल्दी से करो, हो गया, मैं नहीं रुकने वाला, हो गया, हो गया, सस्पेंशन हो गया। नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक, क्या लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक, क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट शाल आफ्टर कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अप्रूव्ड मिसबिहेवियर। कुछ नहीं लिखा है, बताओ किसका इंक्वायरी चल रहा है अभी इस समय? ऐसा लग रहा कि प्रेसिडेंट जो है, चेयरपर्सन जो है, वो मिसबिहेव करते हैं, इनकैपेबल है, तो इनकी इंक्वायरी कैसे होना चाहिए? कौन करेगा इंक्वायरी? सीजेआई करेगा? नहीं, सीजेआई उस बंदे को, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। वो इंक्वायरी कैसी होना चाहिए? इंक्वायरी कैसे होना चाहिए, इंक्वायरी करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज से बात करके रूल्स बनाएगा। अरे कुछ इसके ऊपर कभी सेक्शन के ऊपर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो क्या बोल रहा है, जो बंदा जो जा रहा है ना, वो क्या करने, वो इंक्वायरी करने जा रहा है कि वो मिसबिहेव करता है क्या नहीं, तो इंक्वायरी करने का तरीका कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें क्या इतनी बड़ी बात है? स्टाफ, चाय वाले, काम वाली भाई, चाय वाले भाई, कंप्यूटर चलाने वाला बंदा, अरे ऑफिस बॉय, अरे ऑफिस में से बड़े लोग ही नहीं होते, छोटे लोग भी काम करते हैं। तुम्हारे सीएफ में छोटे लोग नहीं है? ऑफिस बॉय कोई होता है क्या? साफ सफाई वाली आंटी होती है क्या? कोई चाय पिलाने वाला होता है क्या? आर्टिकल चाय पिलाते इतने खराब दिन नहीं आया, आर्टिकल से चाय पिलाते, कुछ भी बोल रहा है भाई, आटे को दे चा क्यों नहीं ऐसे, और वो सर्व भी वही करता है, नहीं पर सर्व करने के लिए मतलब चाय पीला है, नहीं ना इतना तो नहीं कर रहा है ना, होता है ऐसे, होता होता गलत है, मतलब ठीक है ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हमारा आर्टिकल है, इज्जत है, हम प्रोफेशनल है। क्या बेटा तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में? जाके बुलाओ ऐसे, तुम्हारे ऑफिस में भी होता है ऐसे? ओ सब भी हम कर रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। अरे कुछ नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है उनके, आप बोलेंगे ना सर 400, एक काम करो 408 और 410 देखो और 418 देखो, 408 410 एंड 418, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। बड़े बड़े लोग को 408-10 में बुलाए, छोटे लोग को 418 में बुलाए। छोटे लोग मतलब कौन? स्टाफ, कोई टाइपराइटर, कोई कंप्यूटर चलाने वाला बंदा, चाय वाले, झाड़ू वाले। अरे भाई ये कोर्ट है, ये एनसीएलटी है, ये ऑफिस है, इसमें बहुत सारे लोग लगे ना, आपको कंप्यूटर चलाने के लिए 4-5 लोग लगेंगे, इलेक्ट्रिशियन लगेगा, यू नीड लॉट ऑफ पीपल। ऐसा नहीं कि सिर्फ जज आके बैठ गया तो काम हो जाएगा, वो जज के आसपास के लोग भी तो होते हैं ना, वो जॉली एलबी में देखो जज, वो जज को हवाले से करता है, उसको दवाई के लिए लगता है कोई बंदा लगता है। अरे जज का ड्राइवर कौन अपॉइंट करेगा? जज को भी ड्राइवर चाहिए ना। अरे जज के घर पे शेफ चाहिए, कौन कर अपॉइंट करेगा? ये पूरा काम है, पर ये पढ़ के अच्छा नहीं लगा देख के। सेंट्रल गवर्नमेंट शाल, अभी क्या झाड़ू वाले भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा? नहीं नहीं देखो ना, अपॉइंटमेंट झाड़ू वाले, चाय वाले, ये कौन अपॉइंट करेगा? मतलब कितना, देखो भाई जब बड़ा बड़ा लोग था ना, सीजी होते तो बंद को अच्छा लग रहा था। ये क्या बोल रहा है,
सी जी शाह इन कंसल्टेशन ट्रिब्यूनल एन ए टी प्रोवाइड ट्रिब्यूनल एंड अपील ट्रिब्यूनल एज अ केस में बी सच ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफिसर्स और जो बाकी सारे एम्प्लॉइज है एज मे बी नेसेसरी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ व्हाट पावर्स एंड डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ व्हाट क्या लिखा है बोलो जल्दी से यार ट्रिब्यूनल का काम करने के लिए और अपील ट्रिब्यूनल का काम खत्म करने के लिए जितने भी और लोग चाहिए कौन से लोग ये तो सब चाहिए झाड़ू चाय वाले वो सब ठीक है पर और भी जज को अपने अंडर में कुछ और लोग चाहिए तो वो सारे बंदों को अपॉइंट कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा मतलब इसके क्या निष्पन्न हो रहा है मालूम है कंक्लूजन जज चेयरपर्सन और वो अपने दम पे किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते मतलब वो बोलेंगे ना मेरे को चार लोग चाहिए तो मैंने हायर कर लिए तू चार लोग तू ये बोल तुझे चार लोग चाहिए क्या हाँ ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा समझो इसके अंडर में इसको चार पांच लोग और चाहिए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए ही कैन नॉट अपॉइंट हु कैन नॉट अपॉइंट चेयरपर्सन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करके सुपरविजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक बता दो जितने भी बंदे जो आए काम करने के लिए अपॉइंटमेंट किसने किए चाहे चेयरपर्सन हो चाहे प्लेटिनल हो चेयरपर्सन हो या प्रेसिडेंट हो और उनके अंडर में भी जो लोग काम करें उनका भी अपॉइंटमेंट किसने किया पर जो मेंबर जो अपॉइंट हुए ना वो भले ही अपॉइंट किसने किए पर वो काम किसके हिसाब से करेंगे ये देखो मैं समझा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ इधर देखो देखो क्या हुआ ना ये 408 और 410 में क्या हुआ है ना देखो क्या हुआ ना ये 408 ये है 410 यहाँ पे कौन अपॉइंट हुए और यहाँ पे कौन अपॉइंट हुए अब बोलो क्या बोलना है मुझे इन दोनों का अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं और उनके मेंबर्स भी है पर ये अदर ऑफिसर्स कौन सा सेक्शन है कैन यू प्लीज टेल मी अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज मतलब क्या स्टाफ मतलब जो भले ही पेशे से टेक्निकल जुडिशियल नहीं पर इनको बहुत बार ना था बहुत सारे बॉस का काम हम लोग करते हैं कि ये थोड़ा सा तू ये ढूंढ के रख वो ढूंढ के रख कभी आपने देखा है बॉस के केस लॉस ढूंढने का काम करते हैं कोई ट्रिब्यूनल में केस है तो थोड़ा बहुत काम आर्टिकल को सौंपा जाता है कि तुम ये ढूंढ लो मेरे बिहाफ में तो अभी ये सारा काम यही करेंगे तो परेशान हो जाएंगे तो इनके अंडर में थोड़े से ऐसा नहीं कि लॉयर होना चाहिए जज होना चाहिए पर अपने एक लेवल के लोग चाहिए ताकि इनका काम थोड़ा सा कम हो तो ये अदर ऑफिसर एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट भी कौन देगा सी जी पर वो क्या बोल रहा है आगे जो बोल रहा है ना ये जो लोग है ना भले ही अपॉइंट सीजी ने किए पर ये सुनेंगे सीजी का नहीं अब सीजी थोड़े ना रोज काम करने आ रहा है ये किसके हिसाब से काम करेंगे ये अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज विल वर्क इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसके दो बच्चे बना देता हूं आपको समझ आएगा इसमें दो बच्चे इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा और एक काम किसका सुनेंगे इंस्ट्रक्शंस किसका इंस्ट्रक्शन सुनेंगे चेयरपर्सन ऑब्लिक प्रेसिडेंट समझा गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अरे बोलो अब अपॉइंटमेंट जो है ना सबका जो है ना सीजी करता है पर ये जो बंदे जो अपॉइंट किए भले सीजी ने सुनते थोड़ी ना सीजी क्या है वो बिकॉज वो लोग तो डे टू डे लाइफ में ट्रिब्यूनल में जाएंगे ना ऑफिस में तो ट्रिब्यूनल में किसका सुनेंगे प्रेसिडेंट का और अपेलेट ट्रिब्यूनल में किसका सुनेंगे चेयरपर्सन का सुनेंगे तो सही है ये क्या है समझा गया है सेक्शन ये जो मैंने लिखा है आप लिख रहे हैं इसको क्या लिख मुझे रुकना है कि जाना है लिखना है कितना टाइम है 30 सेकंड्स जितना भी लिखना हो खत्म कर ये अच्छा है 408 और 10 को मिलाए तो 418 बन जाता है याद रख लेना सारे सेक्शन नंबर याद है अपने को याद करना है मतलब
ओके गाइस, यहाँ पे लिखा देखो, टर्म्स ऑफ सर्विसेज टू बी रेगुलेटेड, द सैलरीज एंड अलाउंसेज एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज शुड बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. मतलब कितनी सैलरी देना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स. 419 में का बेंचेस, क्या था बेंच? अरे भारत में बेंचेस, बेंचेस क्या बेंच? भारत में एक एनसीएलटी नहीं है, प्रिंसिपल बेंच तो कहां है? दिल्ली में, बाकी सब जगह पे, मुंबई में भी, कोलकाता में, चेन्नई में, बैंगलोर, हैदराबाद, क्या बोल रहे हैं? हर जगह पे क्या होंगे? बेंचेस होंगे. चल मी, इतने बेंचेस क्यों लगा दिए? क्या हर स्टेट के लोग दिल्ली में जाएंगे क्या? मेरे को अमल कमीशन पूरा में करना, दिल्ली में जाओगे? मैं मुंबई में जाऊंगा. तो हर एक एरिया के लिए अलग अलग बेंच दे दिए. कम ऑन गाइस, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड सच नंबर, सच 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 सच. क्या सच? कितने भी, चाहे उतने, चाहे उतने, कौन ला सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उतने बेंचेस ला सकता है. प्रिसाइडिंग ऑफ द प्रिंसिपल बेंच, प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी एट व्हाट, कहां पे होना चाहिए? ए प्रिंसिपल बेंच का होना चाहिए. ये प्रिंसिपल मतलब क्या? हेड. एक बात पूछू क्या? एक बेंच था मुंबई का, एक बेंच था बैंगलोर का, बैंगलोर के बेंच से काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, बहुत दिन से मैटर पेंडिंग हुआ, तो बैंगलोर बेंच का दिल्ली, बैंगलोर बेंच को शिफ्ट करवा दिया जाएगा. कौन शिफ्ट करेगा? बोले हे बैंगलोर वाले, तुम्हें मैटर सॉल्व नहीं, तुम्हारे पास में इतने कैपेबल लोग नहीं, तो तुम इसको सॉल्व करके एक काम, ए बैंगलोर के मैटर दिल्ली में भेजो, बैंगलोर के मैटर मुंबई में भेजो, ऐसा दिल्ली वाला बोलेगा. Delhi is the principal bench. No, he'll decide what is happening. He'll having control on all the benches. If any of the benches not able to work properly, उधर का cash उधर से के उधर transfer कर रहे हैं. Bangalore case Hyderabad में, Hyderabad case Mumbai में shifting करवा सकते हैं. कौन करवाएगा? एक bench दूसरे bench को नहीं ले, मेरा case तू ले रहे, तेरा case मैंने, वो जो भी decide करेगा Delhi करेगा. Delhi का इज्जत अलग है. Delhi principal bench. Power exercisable by the benches. The power of the tribunal shall be exercised by the benches consisting of two members. Out of whom one shall be judicial, other shall be technical. कितने लोग चाहिए हर बेंच में? पक्त दोन, एक judicial और एक technical. Out of two members, one should be from, come on, law area. One should be of what? Come on, other extensive knowledge चाहिए. Provided that it shall be competent for the members of the tribunal authorized in this behalf to function as a bench consisting of a single judicial member. And exercise the power of the tribunal in respect of such class of cases or such matter pertaining to such class of cases as the president may by general special order specify. वो क्या बोला उनका? अगर कभी कभी चाहते हैं तो वो बेंच के अंदर एक जुडिशियल भी बंदा रहा तो चल सकता है. प्राइमा वैसी जुडिशियल भी चाहिए, टेक्निकल भी चाहिए, पर कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर दे सकता, कोई बात नहीं, मुंबई में अगर सिर्फ जुडिशियल भी तो चलेगा. अगर उनको लगता है ऐसा ठीक है तो बोलेंगे जुडिशियल भी रहा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर टेक्निकल नहीं भी रहा तो चलेगा. ऐसा किसको लगना चाहिए? प्रेसिडेंट को ऐसा मतलब लगा तो. पर यहां पे लिखा है आगे, हाउएवर प्रोवाइडेड फॉर दैट इफ एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग एनी ऑफ द सच मैटर इट अपीयर्स टू द मेंबर्स दैट द केस ऑफ द मैटर इज ऑफ सच नेचर इट ऑट टू बी हर्ड बाय द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ टू मेंबर द केस ऑफ मैटर मे बी ट्रांसफर द केस ऑफ मैटर टू बी ट्रांसफर transfer by the president or as the case may be referred to him for transfer to such bench as the president may deem fit. kya samjha aapko? dekho bhai, jeevan mein technical aur judicial honge hi honge har bench pe, par kabhi kabhi aisa hua, bolo kya hua, ki wo matter wahan pe ek hi banda baitha hai judicial aur usse matter solve, to wo matter kahan jayega? delhi pe jayega, aur delhi wala president ek to khud solve karega ya fir usko aisi jagah pe bhejenga जहां पे मैटर सॉल्व हो सकता है, जहां पे जुडिशियल और टेक्निकल दोनों के मेंबर है. आगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिख रहा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश सच नंबर ऑफ बेंचेस एज इट मे कंसीडर नेसेसरी टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन पावर अथॉरिटी ऑफ. ठीक है ना, क्या बोलूं मैं इसके बारे में? अंडरलाइन द वर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक. सर ये क्या बोल रहे हैं? इंसॉल्वेंसी कहां से आ गया अचानक से? बच्चों आईबीसी का कोड कौन सा? बच्चों आईबीसी का कोड कौन सा? अब एनसीएलटी के भी बच्चे बनेंगे, एनसीएलटी फॉर नॉर्मल केसेस, एनसीएलटी फॉर आईबीसी केसेस. अगर इनको लगता है इस एनसीएलटी में बहुत ज्यादा आईबीसी के केसेस हो रही है और वो सॉल्व नहीं हो रही, बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे मालूम क्या? एनसीएलटी के दो दो बच्चे बनेंगे. मतलब मुंबई में एनसीएलटी फॉर नॉर्मल केसेस, मुंबई में एनसीएलटी फॉर आईबीसी.
तो देश में आईबीसी का स्पीड बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो आईबीसी ओरिएंटेड एनसीएलटी इंट्रोड्यूस करेंगे। अरे स्पेशलाइजेशन कर देंगे यार, ताकि आईबीसी के केसेस को स्पीड अप करे। Decisions where members differ in the opinion. If member of the bench differ in the opinion of any point of time, it shall be decided according to the majority. If there's a majority, but if the members are equally divided, obviously equally रहेंगे ना, इधर एक बेटा है, इधर एक बेटा है, और वो बोल रहा है ये yes है, और ये बोल रहा है no, ये बोल रहा है आइडिया वोडाफोन का मर्ज होना चाहिए, ये बोल रहा है नहीं होना चाहिए, अब लड़ लो आपस में, जो जीतेगा वो जीता। ऐसे समय पर क्या करेंगे? You must be knowing the casting vote, casting. ऐसा नहीं होता पर यहाँ पे, इट विल बी सेंड टू किसको, सुन के लो, कहा जाएगा मालूम है? ये मैटर आ जाएगा ऊपर, ऊपर का प्रेसिडेंट के हाथ में, प्रेसिडेंट खुद जवाब नहीं देंगे यहाँ पे, ए किधर चल रहा है मैटर, मुंबई में, ए इसको अहमदाबाद भेजो रे, तो मुंबई के लोग जो अगर एक एक वोट, एक वोट एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक हाँ बोल रहे कि ना, ए अहमदाबाद भेजो, फिर अब अहमदाबाद में कितने लोग थे, ये मुंबई, ये अहमदाबाद, वहाँ पे एक है और एक है, ये भी एस बोल रहा है, ये भी एस बोल रहा है, अब कितने एस के फेवर में, 1 2 3, कितने अगेंस्ट में, एक। तो पहले वाले और नए वाले को साथ में जोड़ के जो मेजोरिटी बनेंगे वो हो जाएगा। अब मैं पढ़ता हूँ देखो इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ। इफ द मेंबर ऑफ द बेंच डिफर, कौन सा डिफर है बेंच, मुंबई, any point it shall be decided according to the majority, ठीक है ना, जो majority वही होगा ना, पर majority नहीं तो क्या करेंगे, if the majority, if there is a majority but if the members are equally divided तो क्या होगा, they shall state the point or point on which they may differ and the case shall be referred by कौन, कहां से कहां भेजा जाएगा केस, president, for the hearing on such a point or points on one or more of the other members, President for hearing on such point or points by one or more of the other member of the tribunal, other member of the tribunal, and such point shall be decided according to the opinion of one majority member who have heard the case, including those who first heard it. क्या बोल रहा है including first who heard it, मतलब क्या? First मतलब कौन? Mumbai. बाद वाली कौन? और फिर क्या होगा? दोनों के voting को इकट्ठा करेंगे, देखेंगे majority कहाँ से हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि नए वाले डिसाइड करेंगे, शैल बी डिसाइड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हु हैव हर्ड द केस इंक्लूडिंग दोज हु हैव फर्स्ट हर्ड इट, मतलब अहमदाबाद और मुंबई दोनों में से जो मेजॉरिटी बनता है वहां पे सॉल्व होगा। पर एक बात, ये कब की है, जब अगर मान लो मुंबई में मेजॉरिटी हो जाती तो ये नौबत नहीं आती, मुंबई में मेजॉरिटी नहीं हो रही तब की बात है ना ये, तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, पहली बात क्या होना चाहिए मालूम है, अरे कुछ भी बोल दो, हाँ पहली बात तो क्या होगा, ये मुंबई में केस होंगी, तो मुंबई में दो बातें हैं, बोलो कौन सी, मुंबई में गए, मुंबई में क्या मिलेगा आपको, और इफ देयर इज नो मेजॉरिटी तो क्या करेंगे, मेजॉरिटी नहीं तो क्या करेंगे, हाँ इट विल बी सेंड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने भेज दिया उसको अहमदाबाद पे, एग्जाम्पल अहमदाबाद ब्रांच, फिर वहां पे क्या होगा, अहमदाबाद में भी वोटिंग होगी, और फिर क्या होगा, अहमदाबाद में फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर अहमदाबाद एंड मुंबई दोनों का वोटिंग मिला के हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है करके, बराबर है, तो पहले मुंबई से मैटर सॉल्व होगा, मुंबई में मेजोरिटी होना चाहिए, नो मेजोरिटी तो प्रेसिडेंट उसको अहमदाबाद भेजेगा, और फिर क्या होगा, अहमदाबाद प्लस बोलो ना मुंबई का कॉमन मेजोरिटी निकालेंगे, समझा गया मैं क्या लिख रहा था, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, पहली बात तो मेजोरिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो मेजोरिटी प्रेसिडेंट को भेजो, प्रेसिडेंट उसको दूसरे पे भेजेगा, फिर दूसरे लोग क्या करेंगे, सब मेजोरिटी डिसाइड करेंगे, लिख रहे अभी,
आगे जाओ। कह रहे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता कहां पे? अरे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आती कहां है? ये क्या है वेबसाइट? आ गए यहां पे ऑर्डर, ये देखो ऑर्डर्स, जज वाइज ऑर्डर देखते। जज वाइज ऑर्डर कौन है? जज कौन है यहां पे? जज वाइज बोला तो यहां पे आ गए मेन पेज पे, कोई बात। फाइनल ऑर्डर्स, प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर्स, आगे ऑर्डर्स 16, गो। कोई भी केस नहीं है। आपको याद है हम लोग जब वो पढ़ रहे थे वो चैप्टर, तो हमने देखा था आगे ऑर्डर्स, कौन सी ऑर्डर्स आ रही है? 241, 2 क्या है ऑपरेशन, 397, 98 क्या है? वैसे न्यू कंपनीज एक्ट में इसका नाम 230 है, ये 397 क्या था मालूम है? अमल के मशीन, ये 97 98 क्यों लिखते हैं? ओल्ड कंपनी जेट का है वो। सही इनके ऑर्डर से, अरे ऑर्डर हमने उस दिन देखी थी ऑलरेडी, ये खत्म हो गया, क्या पढ़ाऊंगा मैं इसमें? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, क्या बोल रहे हैं? द ट्रिब्यूनल मे आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। मान लो आइडिया वोडाफोन के लोग गए थे, इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अरे रिजेक्ट किया तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देंगे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, राइट? अमेंडमेंट इन ऑर्डर, इतना भारी लिखा है ना, इतना भारी, क्या बोलो, जोरों का लिखा है, एकदम जोरदार। अमेंडमेंट इन ऑर्डर द ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम विद इन, क्या लिखा है? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक्स। मतलब यहां के अगर मान लो मित्तल जी को लगा कि अरे अरे मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, मैंने वोडाफोन आइडिया को क्यों रिजेक्ट कर दिया, अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, अगर उनको देख के ऐसा लगा कि मैंने गलती कर दी, अमेंड एनी ऑर्डर, मतलब सोचो इतने बड़े आदमी से भी गलती हो सकती है, अमेंड कर सकते हैं अपने ऑर्डर, एंड इट शैल मेक सच अमेंडमेंट इफ इट इफ द मिस्टेक इज ब्रॉट टू द नोटिस बाय द पार्टीज प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट व्हिच अपील हैज बीन। इसका मतलब बता दोगे ना तो तुम एकदम जीनियस हो गए। बोले जिसका एनसीएल 80 के पास चला गया ना, तो फिर अमेंडमेंट क्यों करना? मान लो मित्तल जी ने ऑर्डर दिए थे, आपको लगा कि गलत है, तो आपने मित्तल जी को बोल दिया, तो मित्तल जी उसको 2 साल के अंदर रेक्टिफाई करेंगे, पर मित्तल जी ने जैसे मना कर दिया, आपने 45 डेज के अंदर एनसीएल 80 में अपील कर दिया, अब वो मैटर एनसीएल 80 में चल रहा है, तो वैसे भी तो एनसीएल टिकट इसी का कोई मतलब ही नहीं अभी, तो एनसीएल टी उसके बाद में अमेंडमेंट करेगा भी तो कुछ फायदा नहीं है, तो इसको अमेंडमेंट तभी करना चाहिए जब मैटर एनसीएलएटी में नहीं गया। अब एनसीएलएटी में गया तो क्या होगा? वो बोलेंगे ज्योति मुखोपाध्याय जो है वो ऑलरेडी इसको ठीक करा ही लेंगे, तो मैं जी अगर अमेंडमेंट करेंगे तो क्या फायदा? हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? या सेंड द कॉपी ऑफ द ऑर्डर्स टू पार्टीज कंसर्न, ठीक है, दोनों पार्टी को ऑर्डर दे देंगे। अब बता दो जरा अच्छे से क्या बोल रहे हैं, कितने सालों के अंदर अमेंडमेंट करना जरूरी है, ऑर्डर कब अमेंडमेंट होगा कब नहीं होगा? पहली बात तो विद इन 2 ईयर्स ही हो सकता है, और आफ्टर 2 ईयर्स, अरे बोलो ना, नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? किसमें अमेंडमेंट? ऑर्डर्स में। विद इन 2 ईयर्स में भी क्या अपील किया होगा और नो अपील? अपील किया तो क्या? हाँ, नॉट पॉसिबल। और अपील नहीं किया होगा तो? ये सेक्शन नंबर कौन सा है? 420। क्या सेक्शन नंबर देगा? 420। आज अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया है तो एनसीएलटी 2 साल के अंदर ही उसका अमेंडमेंट कर सकता है। 2 साल के बाद तो उसका अमेंडमेंट होगा ही नहीं, 2 साल के अंदर भी करना है, पर अगर उसने अपील ऑलरेडी कर दी होगी उस क्लाइंट ने तो फिर अमेंडमेंट करके फायदा नहीं, और अगर अपील नहीं किया हुआ तो ही वो पॉसिबल है। क्या पढ़ा हमने? 420 सर, कितने सेक्शन से? ओनली 434, हमारे कितने हो गए? 420
434 भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सर चैप्टर में ऐसा कुछ लग रहा नहीं, कुछ लगेगा ही नहीं, टेंशन मत लो, बहुत ऊपर जाएगा चैप्टर, याद हो जाएगा, समझ जाएंगे, याद कर लेंगे। और क्या आपसे खत्म हो गया क्या? हुआ खत्म हो गया 420। देखते हैं क्या लिखा है 421। If you are not happy with the judgment of, come on guys, NCLT, you can file your complaint to KISCO, NCLAT. कितने दिनों में? Underline the word 45 days. Sir, 45 days के बाद में जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं, पर अगला वो भी 45 days से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी sufficient cause होगा तो। सर क्या बोला आपने? NCLT से खुश नहीं है, कहाँ जाएंगे? NCLAT में जाएंगे। कितने दिनों में? 45 days में। और 45 days में नहीं गया तो और एक्सटेंशन मिलेगा 45 days, मतलब 45 plus 45 90 days तक, बट अगले 45 दिन तभी यूज करने मिलेंगे जब आपके इसमें सफिशिएंट कॉज है। जल्दी बताओ मैंने क्या बोला? इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ किसके? एनसीएलटी। कहां जाएंगे? एनसीएलएटी में। कितने दिनों में? पर 45 के बाद जा सकते क्या? हाँ, अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो। पर 45 के बाद में और 45 कब तक? कब तक? ऐसा 45 के बाद में कभी भी और, कभी नहीं। और मैक्सिमम एक्सटेंशन वाज अगेन The extension वाला period will not be more than of 45 days. समझा क्या? नहीं। अरे यहाँ पे देखा है, any person aggrieved by the order of किसके? Tribunal, may refer. किससे खुश नहीं तो जाएंगे आप? Tribunal से खुश नहीं तो जाएंगे AT के पास। No appeal shall lie with appellate tribunal from an order made by the tribunal with consent. कोई जवाब दोगे ना, मतलब क्या बोलूँगा मैं आपको? आप अपील करने लायक नहीं हो अगर आपने पहले से हाँ बोल दिया होगा तो। जो लड़का और लड़की ने शादी के लिए हाँ बोल दी, शादी के दिन लड़की बोल रही मुझे शादी नहीं करना, अलाउड के नहीं अलाउड? क्यों नहीं अलाउड? फिर हाँ क्यों बोला था पहले? देखो जबरदस्ती की थी हमने, तूने तो खुशी खुशी हाँ बोला। मुझे बताओ जल्दी से अपलेट, ये बहुत भारी कैसे है? टेल मी कौन से लोग अपलेट नहीं जा सकते? NCLT पूछने का चांस रहता है, भाई तुमको अपील करना है क्या? तुमने बोला नहीं नहीं अपील नहीं करना, हम इससे बहुत खुश है, देन व्हाई द हेल यू आर अपीलिंग? अपील करने का राइट आप खो चुके हो जिस दिन आपने बोला था नहीं नहीं ये डिसीजन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मुझे बोलना और है। नो अपील शल लाई टू द अपील ट्रिब्यूनल फ्रॉम देन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जहां पे दोनों पार्टी ने ऑलरेडी, अरे यार कंसेंट दे दिया है, आगे बोलो अब क्या? अपील करने का राइट ही नहीं है, फिर ऐसे कैसे अपील चलेगा? एक बात पूछूंगा मैं आपसे, सेक्शन नंबर था, चलो कनेक्ट करेंगे सेक्शन को, सेक्शन नंबर था अपना 237, पब्लिक इंटरेस्ट में शादी करवाएंगे, शादी कराने को लेकर, शादी कराएंगे बोले करा दो कोई बात नहीं, अब सारी तैयारी हो गई शादी की, दो कंपनीज पब्लिक इंटरेस्ट में मर्ज हो रही है, बाद में बोल रहे नहीं 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 वो गलत हो गए, ऐसे कैसे गलत हो गए? अब ऑर्डर निकल चुका है, अब तुम ऑर्डर को अपील कैसे कर, जब तुम्हारे कंसेंट से सब हुआ है तो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग एन अपील। पॉइंट है इसमें, ये तो हो गया, पास ऑर्डर आफ्टर गिविंग, क्या बोल रहे समझा नहीं, कौन कहां पे कब जाएगा? इधर देख लो प्लीज, इधर देखो, कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट, इधर देख लो एक बार, यही सेक्शन है वो, एनसीएलटी से कुछ नहीं, कहां जाएंगे? कितने दिनों के अंदर? समझा क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो आफ्टर 45 जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉज, पर 45 डेज के बाद वाले और कितने दिनों में? समझ गया? कोई डाउट ड्रॉ? देखो कौन से क्वेश्चन है आपको, कहां जा सकते हैं? एनसीएलटी ने दिया ऑर्डर, ऑर्डर में आपने क्या करा? एक दिया कंसेंट, दिया कंसेंट दिया, और ये लिखा नो
कंसेंट. नो कंसेंट से कहां जाएंगे? अपील. कितने दिनों में? विद इन कितने में? 45. आफ्टर 45 जा सकते हैं. एनसीएलईटी मिल जाएंगे, ठीक है ना? और कंसेंट ऑलरेडी मिल चुका है तो एक बार पढ़ लो मैंने क्या लिखा है. एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, आपने कंसेंट नहीं दिया, तो आप अपील कर सकते हो. किसको अपील करेंगे? एनसीएलटी को. कितने दिनों के अंदर? नो प्रॉब्लम. और आफ्टर 45 डेज देंगे तो एक्सटेंशन और 45 डेज का मिल सकता है, अगर आपके इसमें सफिशियंट कॉज है तो. और कंसेंट मिल चुका है तो अपील ही नहीं करेंगे, खत्म हो गया केस. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ओवर. अगर कंसेंट मिल चुका है तो अपील ही नहीं होगा. यहाँ पे क्या लिखा देखना, जब भी ऑर्डर देंगे तो क्या देना चाहिए उन्होंने? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए. किसने ऑर्डर देना चाहिए? तो चाहे एनसीएलटी दे, चाहे एनसीएलटी दे, क्या देना चाहिए? अपॉर्चुनिटी ऑफ. और जो भी ऑर्डर आया है तो एक ऑर्डर भेजे आइडिया को, एक ऑर्डर भेजे वोडाफोन को, और साथ साथ में वेबसाइट पर डाले. जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उन दोनों को कॉपीज भेजना जरूरी है. अभी जो हमने किया है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे. एवरीबडी प्लीज वेलकम बैक. सो यहाँ पे आ जाना आपको जल्दी जल्दी. बताओ क्या करना है हमें यहाँ पे, कौन सा सेक्शन? ई पेज है. चलो रिवाइज करो यहाँ से. बोलो गाइस, वी स्टार्टेड विद सेक्शन नंबर 413 टुडे. आप जवाब देंगे क्या बोले? टर्म्स ऑफ ऑफिस. चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे चेयरपर्सन हो, अपॉइंटमेंट 5 सालों के लिए. फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? और 5 साल के लिए होगा. कैन यू प्लीज टेल मी द एज क्राइटेरिया ऑफ द प्रेसिडेंट? मैक्सिमम 67 और उसके बाजू वाले जो लोग हैं 65. और अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूं, चेयरपर्सन आदमी बड़ा है तो ज्यादा एज होगा 70 years, और उसके बाजू वाले लोग 67 की ईयर्स के. सैलरी अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा इनकी? एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. अगला सवाल बताएंगे दोस्तों, एक्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट. अगर मान लीजिए उसकी तबियत, वो देखो 415 में दो बच्चे, 1 and 2. 1 में परमानेंटली चला जाता है, 2 में टेम्पररी जाता है. परमानेंट जाए चाहे टेम्पररी जाए, जब तक नई वाली नहीं आती तब तक उस वहां का जो सीनियर मोस्ट बंदा है वो एक्टिंग करेगा एज एन वॉट, एज अ प्रेसिडेंट. एंसर रेजिग्नेशन. क्या बोलना है? क्या रेजिग्नेशन? क्या मैं छोड़ के जा सकता हूं? क्या चेयरपर्सन प्रेसिडेंट छोड़ के? हाँ जाएंगे, मैक्सिमम 3 महीने या नया वाला आने तक, या फिर एक्सपायरी ऑफ टर्म और द एज क्राइटेरिया विच एवर इज अर्लियर. रिमोल. रिमोल कर सकते क्या? रिमोल के 2 बच्चे बनाए थे हमने. एक तो रिमोल 5 राउंड पे, अगर वो इंसॉल्वेंट, पागल, फाइनेंशियल मैटर में इन्वॉल्व है, अब्यूज कर रहा है खुद की पावर का, ये कन्विक्टेड हुआ है, इसमें से कब आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे? दैट इज व्हाट इंसॉल्वेंसी में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा. और 417 सबसेक्शन 2 में, इन एडिशन टू ऑल दिस फाइव क्राइटेरियाज, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा लगता है कि वो मिसबिहेव करता है, वो इनकेपेबल है, तो उसको निकाल सकते हैं. निकालने के भी 2 तरीके, एक तो पहले सस्पेंड करेंगे फिर रिमूव, या फिर डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हैं. 418 स्टाफ, काम वाली भाई हो या चाहे कोई भी अदर ऑफिसर हो या स्टाफ हो, कोई भी हो,
उसका अपॉइंटमेंट सीजी करेगा, दैट्स ऑल। और वो लोग कैसे काम करेंगे, जैसे कि चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट चाहते हैं, अपॉइंटमेंट को करेगा सीजी, पर काम किसके हिसाब से करेंगे? 419 बेंचेस, कितने बेंच होंगे? उतने जितने चाहे उतने बेंचेस देंगे। हर बेंच में कितने लोग होंगे? दो लोग, एक तो जुडिशियल होगा और एक तो टेक्निकल, पर कभी कभी अकेला जुडिशियल भी हो सकता है, पर उस केस में अगर वो मैटर सॉल्व नहीं कर रहा है तो मैटर प्रेसिडेंट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, और कोई भी वैसे भी कोई बेंच में मेजोरिटी से ही सॉल्व होना चाहिए। पर अगर जिस बेंच में मेजोरिटी नहीं मिलती उस मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट किसी और के पास भेजेगा, फिर हो जाएगा। व्हाट इज दैट 420 ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल? ऑर्डर अभी तो बोला ना ऑर्डर के बारे में, क्या बोला था ऑर्डर के बारे में? नहीं, वो तो अपील में। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है? हाँ, वो अपने ही ऑर्डर को वो कर सकता है, उसको अमेंड करना भी तो 2 साल में अमेंड करेगा, 2 साल के बाद में तो अमेंडमेंट होने का स्कोप ही नहीं है, और उसके बाद में भी अगर ऑलरेडी मैटर एनसीएलटी से एनसीएलएटी के पास चला गया है तो इसे भी अमेंडमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। 421 अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ एनसीएलटी यू कैन गो टू व्हाट अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन व्हाट 45 डेज, फर्दर एक्सटेंशन कैन बी गिवन ऑफ व्हाट मोर देन 50, फर्दर एक्सटेंशन कैन आल्सो बी गिवन बाय 45 डेज ओनली इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज। और अगर ऑलरेडी अगर उन्होंने पार्टी ने कंसेंट कर लिया है तो अपील करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, इतना ही हमने पढ़ा ना। व्हाट इज सेक्शन 434? All the matters pending with what CLB will be transferred to, come on guys, NCLT में जाएगा, right? और जो जो matter, if the people who are not happy with the judgment of what, वो क्या नाम था पहले वाले का, CLB से, तो जो जो CLB से खुश नहीं वो High Court में ही जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। और बताओ High Court में कोई matter pending चल रहा था, maybe operation, mismanagement उनका, वो सारे के सारे shift हो जाएंगे NCLT पे, पर कोई winding का matter जो mostly अगर already खत्म हो चुका है High Court में, तो वह हाई कोर्ट खुद के पास ही रखेगा, इधर ट्रांसफर नहीं होगा। ये सारी बातें हो गई। 434 इज ऑल्सो ओवर, सारे सेक्शन नंबर देख के हो गए आज आपके। देखो वी स्टार्टेड विद 407, 407 से 421 तक हो गए, अभी कितने सेक्शंस हो गए मतलब बहुत सारे हो गए, और अभी 422 से बाकी है, कितने सेक्शंस बाकी है हमारे, 3, 4, 7, 11 और एक 12। क्या आपको लगता है कल हो जाएगा? नो डाउट अबाउट इट, एनसीएलटी कल होना ही चाहिए। अब जाने के लिए अभी मैं जिनको बैठना बैठे हम लोग रिविजन ले रहे हैं, रिविजन ऑफ वॉट, स्पेशल कोर्ट अमलगमेशन ऑपरेशन, ठीक है ना, जल्दी से आ जाओ, श्रद्धा से बैठ सकते हैं आप जिनका ऑफिस नहीं बैठे, और बाकी वर्चुअल में और पेंड्रा में तो आपको करना ही है, जितना रिवीजन करेंगे बहुत आगे जाएंगे। जीवन का सार, जीवन का संसार का ब्रह्मांड का सारा मजा रिवीजन में है, जल्दी आओ, टाइम नहीं है। क्या नाम है इसका, न्यू कॉर्पोरेट लॉ ना चार्ट बुक, बोलो भाई कौन सा चैप्टर ले? लेक्चर चालू है, मैं वो चैप्टर लेना चाहता हूं जिसका नाम है इंस्पेक्शन इंक्वायरी। कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। चालू करें, रिवीजन जितना करोगे उतना आगे जाएंगे। बताएंगे दोस्तों 206 नंबर क्या, 206-1 कोई है क्या बैठा हुआ? अपन है ना, हाँ 206-1 गाइस, कम ऑन गाइस, बताएंगे कौन नोटिस दे सकता है, आरओसी नोटिस देगा, अगर आरओसी को लगता है कुछ डेटा चाहिए तो वो किसी भी कंपनी से मंगा सकता है। 206-2 में क्या लिखा है, अगर इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज द पास्ट एम्प्लॉय टू प्रोवाइड डेटा टू किसको। 206-3 क्या लिखा है, अगर मान लो पहली नोटिस दी थी उसका डेटा नहीं आया तो दूसरी नोटिस देके वापस मंगवा सकते हैं, या फिर पहले वाले के नोटिस का डेटा आया था पर वो कंप्लीट नहीं आया था, इनकम्प्लीट था, तब भी वो नोटिस मंगवा सकते हैं। 206-4 में क्या लिखा है, इंक्वायरी बिठा देंगे उसके खिलाफ, कौन, आरओसी और इंस्पेक्टर नोटिस इंक्वायरी बिठा देगा, जल्दी से बताओ आप, बोलो ना क्या मैं बोल रहा हूं, इंक्वायरी कब कब बोल सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ 206-1 और 3 का इन्फॉर्मेशन, या फिर इनको लगता है ये कंपनी इलीगल कुछ काम करती है, या फिर इनको लगता है कि मेंबर्स का ग्रीवांसेस सॉल्व नहीं होते तो उस कंपनी का इंक्वायरी बिठा सकते, कौन। उसके बाद में दोस्तों 206-5 और 6 में लिखा है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बिहाफ में किसी इंस्पेक्टर और किसी स्टैचुटरी बॉडी को भी अपॉइंट कर सकता है ये सब काम करने लिए। तो 207 में लिखा, अगर वो चाहते हैं तो वो अपने उसका वो मार्क करा सकते हैं, स्टिकी नोट लगा सकते हैं, साथ साथ उनके सिविल कोड के सारे पावर्स होते हैं, जैसे कि समन्स लगाना, बुक्स का प्रोड्यूसन करना, या विटनेस बुलाना, या फिर उसके ऊपर एफिडेविट कराना, वो सारे पावर्स किसको दिए? आरओसी और इंस्पेक्टर, मतलब आरओसी इंस्पेक्टर दे विल एक्ट लाइक व्हाट सिविल कोड 206 207 208 Whatever, क्या 206 और 7 में जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आरओसी और इंस्पेक्टर ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। व्हाट इज 209 और 220 में लिखा है, दे कैन एंटर सर्च सीज, कौन? 209 किसके लिए बना है? सिर्फ आरओसी इंस्पेक्टर दोनों के लिए। 220 ओनली फॉर व्हाट? इंस्पेक्टर। किसकी पावर ज्यादा है? 220 की। किसकी पावर कम है? 209 की। और 209 में अगर आपको एंटर सर्च सीज करना है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट की परमिशन की जरूरत है, पर 220 में परमिशन की जरूरत ही नहीं है। और रही बात अगर कितने दिन तक डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, 180 प्लस 180 और 220 में नो टाइम लिमिट, कितने दिन तक भी रख सकते हैं। व्हाट इज 210 गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। 210 क्या है? इन्वेस्टिगेशन होगा। 208 में अगर आग लगाई होगी आरओसी ने, इंस्पेक्टर ने, तो उसका एक तो 210 भी होगा, तो 212 भी हो सकता है। 210 और 12 की कंडीशन सेम ही है। कौन सी? एक तो 208 की इन्फॉर्मेशन नंबर 2 एसआर पास हुआ या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर जुर्म वो संगीन नहीं है तो 210 में, जुर्म संगीन है तो 213 में चला जाएगा, 212 में, दैट इज SFIO। ओके, एक बात मैं पूछूं आपको, 210 और 13 में क्या फर्क है? 213 में क्या, 210 में क्या था? मेंबर्स लोग को एसआर पास करने की जरूरत है, पर 213 में एसआर पास करने की जरूरत भी नहीं है। और मोरओवर 213 में अदर मेंबर्स भी कर सकते हैं, चौधरी लोग। तो 213 में दो बच्चे, एक तो चौधरी, एक तो नॉर्मल आदमी। 213 का जो पहला पॉइंट है ना, 244 जैसा दिखता है कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 100 मेंबर या 110 शेयर कैपिटल, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 1/5 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पर 213 का जो दूसरा चौधरी लोग है ना, चौधरी लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल है। एक मालूम है कौन सा? एक तो कंपनी के प्रमोटरी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, दूसरी बात कंपनी के मेंबर्स का ग्रीवांसेस सॉल्व नहीं होता, और तीसरी बात कंपनी बदमाश कंपनी डिफ्रॉड करने के लिए पैदा है, तो उस केस में मेंबर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकते हैं। पर 210 में डायरेक्टली आप सीजी को बोलते हैं, 213 में सीजी को नहीं जाता, 213 में पहले जाएगा ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल को लगता है सच में सही है तो फिर ये मैटर सीजी के पास जाएगा, सीजी अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को। 212, अब जब आएंगे 212 के SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आपको मैंने बोला था अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, एक 208 की इन्फॉर्मेशन से लगता है, दो, और तीसरी बात पब्लिक इंटरेस्ट में तो SFIO, और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलता है इसका SFIO चालू करवा दो। सहम हमें बाकी सब पानी का, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इनकम टैक्स सीजी कुछ चल रहा हो तो सबको बंद होना पड़ेगा जब वहां पे SFIO होता है। और SFIO जो है ना वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, मतलब ये आएंगे तो विदाउट वारंट लेके जाएंगे, उसको जेल में लेके जाएंगे, जेल में से नॉन अवेलेबल करेंगे, और बाकी सारे लोग को इनको असिस्ट करना बहुत जरूरी है। ये सबसे खतरनाक लोग है, ये CBI का ब्रांच है। 214 की बात करके 25,000 रुपए देने के बाद ही 210 और 13 में आपका इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। 215 में लिखा है द बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, वो करने वाला हमेशा बंदा इंडिविजुअल होना चाहिए, राइट है। 216 की बात करके ट्रू ओनर्स फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा, हो सकता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है अदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उसके पावर्स कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 217 पावर्स एंड ड्यूटीज आपका होमवर्क था। 218 गाइस, व्हाट इज दैट? अगर जब भी किंगफिशर का अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा तो किंगफिशर के सारे एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन मिलना जरूरी है, या जब तक जॉब खत्म नहीं होगा, जब तक वो 3 साल का, एक तो इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ या 3 साल मैक्सिमम तक, उन एम्प्लॉय को कोई पनिशमेंट नहीं करेगा, उनकी जॉब कोई चेंज नहीं करेगा, उनकी सैलरी कोई कम नहीं करेगा, सब कुछ सेम रहेगा। व्हाट इज 219 रिलेटेड पार्टीज की बात करेंगे। What is the related parties? अगर मान लो सत्यम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस समय सत्यम की जो होल्डिंग होंगी, जो भी सब्सिडीज होंगी और जो होल्डिंग के सबसे, वो सब भी इन्वेस्टिगेशन हुआ। 219 में वन मोर थिंग रामालिंग राजू उस समय सत्यम का भी डायरेक्टर था, वो इन्फोसिस का भी डायरेक्टर था, वो इन्फोसिस का भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। वन मोर थिंग, आज के तारीख में और कभी भी लाइफ टाइम में जितने लोग सत्यम का सुन के काम करते हैं या सत्यम का डायरेक्टर का सुन के काम करते हैं उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। और लास्ट में सत्यम का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है पर उस समय सत्यम के जितने भी एम्प्लॉयज और डायरेक्टर थे उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। 220 ऑलरेडी हो चुका है, 221 में लिखा है फ्रीज करेंगे फीस, और 222 में भी लिखा है फ्रीज करेंगे। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता मैक्सिमम 3 साल तक उनकी कंपनी के कोई भी असेट ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर उनको लगता है असेट ट्रांसफर करने से कंपनी के ऊपर प्रिजुडिशियल इंपैक्ट हो जाएगा तो असेट ट्रांसफर करने के लिए रोक लगा जा सकता है, ट्रिब्यूनल बोलेगा असेट ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता, मैक्सिमम 3 ईयर्स। और 222 में शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 222 एंड 21? 22 में क्या होता है, जब तक 216 नहीं होगा यू कैन नॉट यूज 222, मतलब जब तक ट्रू ओनर्स आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती उसी केस में 222 विल बी यूज्ड।
मतलब टू ओनर्स आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता जब तक शेयर ट्रांसफर रोके नहीं जाएंगे। उसी केस में 222 में कहेंगे कंपनी की जितने भी सिक्योरिटीज है, जब तक ये टू ओनर ढूंढ नहीं लेते तब तक ये शेयर ट्रांसफर नहीं होगा। अगेन मैक्सिमम व्हाट, 3 इयर्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 221 में असेट ट्रांसफर नहीं होते, 222 में व्हाट इज सेक्शन नंबर 223? ए बोलो ना क्या है इंस्पेक्टर, ये पूरे चैप्टर में जितना भी इंस्पेक्टर ने जो 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 किया है ना उसका वो बनाएगा इंस्पेक्टर रिपोर्ट, और इंस्पेक्टर रिपोर्ट किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट 224 में एक्शन ले सके। 225 ये जितना भी खर्चा है ना उस बंदे से लिया जाएगा जिसने गंदा काम किया है। 226 वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, अगर ऑलरेडी चल भी रहा था ना पहले से तभी भी इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू है और उसके बाद में वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है, फिर भी अपना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन का कुछ लेना देना नहीं वाइंडिंग अप से, इन्वेस्टिगेशन चालू है तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप उसको रोक नहीं सकता। 227 लॉयर्स एंड बैंकर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर, किसको, लॉयर्स और बैंकर्स को आंसर देना जरूरी नहीं है, किसका आंसर देना जरूरी नहीं, कोई भी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा बोलेगा मुझे ए भाई तू कौन है पूछने वाला, जब ये लॉयर्स एंड बैंकर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर, दे शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर क्लाइंट्स। 221 फॉरेन कंपनी के पूरे सेक्शंस, नहीं नहीं इस चैप्टर के सारे सेक्शंस फॉरेन कंपनीज को एज इट इज एप्लीकेबल है। और आगे बोलो व्हाट इज इट 229, अगर किसी ने एविडेंस को फाड़ दिया होगा, फोड़ दिया होगा, तोड़ दिया गया, एविडेंस में झूठ झूठ बोला होगा ऐसे लोगों को सजाऊंगी 229 में। ये सारे सेक्शन हो गए इस चैप्टर के, एक छोटा सा चैप्टर, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इस चैप्टर का, कौन सा बोल रही है, स्पेशल कोड, ओके कल से रिवीजन का क्वांटम और बढ़ा देंगे, कल से रिवीजन ज़्यादा करना है बिकॉज मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट अभी 2-3 चैप्टर बचे हैं, तो जितने चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन अपने को बहुत बार लेना है। अब वो समय आ चुका है जिसमें सारे चैप्टर्स का रिवीजन होना जरूरी है, सिलेबस जो कॉर्पोरेट लॉ का बाकी है उसमें से कुछ चैप्टर्स बाकी है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इंटेंस रिविजन पर जाएंगे ताकि हमारा पूरा सिलेबस ना एक लेवल पर आ जाए। चैप्टर्स बचे हुए मालूम है कौन से कौन से, वाइंडिंग अप बचा हुआ है, ये चैप्टर तो एनसीएलटी कल खत्म हो जाएगा, और मिसलेनियस बचा मेजॉरिटी, और वो रजिस्टर का वैल्यूएशन बचा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ बराबर चल रहा है, हम लोग रिविजन पर फोकस करेंगे। ओके बोलो जल्दी से क्या बोल रहे हैं, अरे बोलो भाई स्पेशल कोड कम ऑन जल्दी से, मैं क्या बोल रहा हूं, 435 से लेके 446 ए बी, कम ऑन गाइस 435, बोलो क्या, कितने कोर्ट आएंगे भारत में, कितने भी लाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल कोर्ट के दो बच्चे होते हैं, एक सेशन कोर्ट का जज और एक मैजिस्ट्रेट होता है, 436 की बात करेंगे, 435 में लोग तो उनको समझेगा ना ये कैसे काम करना, तो अप टू 2 इयर्स मैजिस्ट्रेट, उनको लगता है कि अगर ये मैटर उनसे सॉल्व हो जाएगा तो वही करेंगे, और अगर इंप्रिजनमेंट 2 इयर्स से ज्यादा होंगे तो स्पेशल कोर्ट के जज के पास, मतलब सेशन कोर्ट के जज के पास भेज देंगे, पहले समरी ट्रायल होगा, समरी से मैनेज नहीं होता रेगुलर पे, कभी कभी 3 साल के ऊपर के ऑफेंसेस है डायरेक्टली आ जाएंगे रेगुलर में चले जाएंगे। 437 का हाई कोर्ट बोलता है मेरी कोई है ना तेरी इज्जत है, कोई भी केसेस जो इस स्पेशल कोर्ट से मैनेज नहीं हुई वो दूसरे में जा सकती है, वैसा भेजने का राइट हाई कोर्ट को दिया है। 438 की बात करो भाई, ये सेशन कोर्ट को जैसी इज्जत है ना वैसी स्पेशल कोर्ट, तो स्पेशल कोर्ट को हम लोग स्पेशल कोर्ट को हम लोग सेशन कोर्ट जैसा मानते हैं, तो सीआरपीसी जैसे सेशन कोर्ट को एप्लीकेबल होती है वैसे स्पेशल कोर्ट को भी एप्लीकेबल होती है। 439 कौन से ऑफिसर्स, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल मतलब क्या, ओनली वन सेक्शन SF5 212(6), नॉन कॉग्निजेबल पूरे कॉग्निजेबल का हर सेक्शन क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, आप बताएंगे कॉग्निजेबल मतलब क्या, बहुत बड़ा है जिसमें वारंट की जरूरत नहीं है, बेल भी नहीं मिलेगा, और नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या, वारंट देंगे उनको जेल से छुट्टी भी हो जाएंगे, तो आप बताओ कौन से लोग का कॉग्निजेंस चलेगा। 212(6) में ओनली SF5 कैन अप्लाई, और बाकी केसेस में ROC कर सकता है, मेंबर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, और सेबी भी कर सकता है, सेबी सिर्फ 2 मैटर में कर सकता है, डिविडेंड और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी के बारे में कर सकता है। अब बात करेंगे 440, जब तक ये कोर्ट नहीं आ जाते जब तक ये सेशन कोर्ट के जज काम करेंगे, मतलब इधर के जज जब तक नहीं आते, उधर के जज काम करेंगे, इधर के मैजिस्ट्रेट जब तक नहीं आते सेशन कोर्ट के मैजिस्ट्रेट काम करेंगे, बताएंगे दोस्तों 441 है नहीं कंपाउंडिंग, 442 कम ऑन गाइस क्या ही है, जब तक कोई एनी केसेस विच इज पेंडिंग विद ट्रिब्यूनल अपील ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट
वो पार्टी से अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते, जाएंगे पैनल ऑफ एक्सपर्ट के पास में, वो 3 महीने के अंदर उसको सॉल्व करेंगे, और अगर इन लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वापस वहां जाएंगे जहां से आए थे। 443 3 मतलब क्या, सी मतलब क्या, कंपनी प्रोसिक्यूटर, बोलो क्या, कंपनी प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके सीजी, और उनकी पावर उतनी होगी जितनी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की होती है। 444 अगर किसी को एक्विटल बोल के बाइज़त भरी क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अपील करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने भी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब क्या कंपनी प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा, या फिर उसके भी आप में कोई और भी बंदे को अपॉइंट कर सकता है, एक तो कंपनी प्रोसिक्यूटर को या फिर किसी और को। 445 उसको लगा देंगे कॉम्पनसेशन, 446 लेंगे फाइन, फाइन के दो काम होंगे, नंबर वन एक फाइन का काम होगा, प्रोसीडिंग के पैसे देंगे या फिर जो पैसा बच जाएगा वो रिवॉर्ड में लगा देंगे। 446A डिपेंड करता है, फाइन और पनिशमेंट डिपेंड करता है कुछ फैक्टर के ऊपर, कंपनी का साइज क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सामने लोगों को कितनी इंजरी हुई है और कितना रिपीटेटिव नेचर होता है। 446B ओपीसी और स्मॉल कंपनीज की जो पनिशमेंट है रिगार्डिंग 137 रिगार्डिंग 192 उतनी होगी, नॉर्मल कंपनी से 50% ऑफ मिलेगा। तो दिस सेक्शन स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 435 टिल 446 में। देखो रिवीजन का आज आप जब घर जाओगे ना थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज करके आना, हमें कल बहुत सारे चैप्टर रिवाइज करना है, अभी मेरे को बहुत इंटेंस रिवीजन लेना है, पूरा बहुत ज़्यादा हो गया मैं पढ़ाने के चक्कर में। देखो कल मैं क्या कह रहा हूँ, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट रिवाइज करूँगा, स्पेशल कोड कराऊंगा सर वापस, यस, फिर मैं कल NCLT के रिवीजन कराऊंगा, फिर मैं आपको अमलगमेशन कल रिवाइज कराऊंगा, कल मैं फॉरेन कंपनी रिवाइज करा दूंगा, फिर कल मैं वो कराऊंगा सर्च वाला रिवाइज कराऊंगा। सो इतना रिवाइज होगा 100% हो जाएगा, ठीक है ना, 7 दिन मेरी कल 1 2 3 4 5 6 और कोई चैप्टर है क्या इसके अलावा, क्या डायरेक्टर से बचा है ना, डायरेक्टर के 1 2 3 और आईबीसी भी कल रिवाइज कराऊंगा, कल डायरेक्टर चौके सारे रिवाइज कराऊंगा मैं। और एक समय आएगा आखिरी दिन, याद रखना आखिरी दिन में सारे के सारे चैप्टर्स का रिविजन होगा, मतलब कॉर्पोरेट लॉ के पूरे चैप्टर का एक साथ में रिविजन होगा, सब पूरा बैक टू बैक डन 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 पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। आज से रिवीजन का, कल से मतलब समझ लो अपना आधा टाइम रिवीजन, आधा टाइम में पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटा रिवीजन 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने के लिए बचा ही कुछ नहीं है। हो गया, वाइंडिंग अप की बात कर रहा हूं, और क्या बाकी है मेरा, वाइंडिंग अप मिसलेनियस और एक रजिस्टर वैल्यू। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जितना मैं रिविजन करूंगा उतना आपका बहुत फायदा होगा, रिवीजन को मिस मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना रिवाइज करोगे आपका कॉर्पोरेट लॉ इतना भारी हो जाएगा ना, आउट ऑफ स्कोर लाएंगे हम लोग कॉर्पोरेट लॉ में सेक्शन नंबर वाइज। ओके, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।